अरे पप्पू, दुनिया में पहले मुर्गी आई थी कि अंडा आया था? आ? अच्छा छोड़, तेरे बस की बात नहीं है। क्या हुआ, हवा निकल गई? अच्छा रोक दे चल। अगर तूने पढ़ाई में झंडे गाड़े होते ना तो हमको इतने धक्के नहीं खाने पड़ते। पांडी, पढ़ाई लिखाई से सिर्फ डॉक्टर बनता, अगर जाहिल होता ना तो मेडिकल कॉलेज खोल के लोगों को डॉक्टर बना रहा होता। समझा कि नहीं? तू सच कह रहा है? हाँ तेरी कसम। और उसमें फीस कितनी रखता? जितने में गुजारा हो जाए। हमेशा गरीबों की तरह ही सोचेगा। चल बैठ जा। चल। अरे धक्का तो लगा, क्या कर रहा है? हाँ, लगा रहा हूँ, रुक। पंचर तो नहीं हो गई? अरे नहीं रे। ए अनारकली। हाँ? तेरा खसम आ गया? हाँ, वो कब के आ गए? तो अंदर बैठे बैठे नोट गिन रहे क्या? कैसा है बीड़ू? एकदम चकाचक। तुम कैसे हो? आओ बैठो। यार ये गया था 3 महीने के लिए, आ रहा है 6 साल के बाद। नोटों की बारिश हो रही थी, कैसे आता? मौका मिला तो चौका मार लिया। सुना है तुझे भी विदेश जाने का कीड़ा काट रहा है? कीड़ा तो काटेगा ही ना, जो भी कमा रहा हूँ सब ब्याज में जा रहा है। कर्जा उतारने के लिए जुगाड़ तो करना पड़ेगा। तूने तो अकाउंट्स पढ़ा है ना? हाँ, तो पर वहाँ पर अकाउंटेंट के लिए काम नहीं है। तो क्या तेरे जैसे भिखमंगे के लिए है? अरे मैं टूरिस्ट वीजा पे गया था, वहाँ जाने के बाद जुगाड़ लगाया। अरे विजी, ये क्या चीज है? इसे अमीर लोग आंखों पे लगाकर मस्ती भरे सपने देखते हैं। लेकिन मेरे गांव की औरतें तो इसे कहीं और इस्तेमाल करती हैं। ए रखना इसे। तूने वीजा का जुगाड़ कैसे किया ये बता, मुझे भी चाहिए। अरे भूल जा, वो तेरे बस की बात नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे यहाँ रहकर पापड़ बेलने से तो अच्छा ही है ना, तू मुझे तरीका बता, बाकी मैं सब कर लूंगा। मैं तुझे एक ट्रैवल एजेंट का नंबर देता हूँ। हाँ। जाकर उससे मिल ले, वो तेरा काम कर देगा। क्या हुआ, आगे दोनों मुंह उठा के? हाँ बाजू हट। अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, सुन रहा हूँ। जेब में चवन्नी नहीं है और विदेश जाना है। अरे वही कमाने तो विदेश जा रहा हूँ, उसके बाद चांदी सोना सब कुछ है, और लौटने के बाद सारे गहने छुड़वा दूंगा। हलवा है क्या? देख रहे हो जी, इसका दिमाग फिर से खराब हो गया है। कहता है कि विदेश जाकर पैसा कमाएगा और मेरे गहने छुड़ाएगा। ये सनक कैसे आई तेरे को? वो चूजा दुबई गया था ना, उसी ने मुझे सलाह दी कि अगर मैं विदेश गया तो बहुत पैसे कमाऊंगा। और साहबजादे लौटेंगे कब? ज्यादा कुछ नहीं, बस यही 1-2 साल के अंदर। ऐसे ही सपने दिखा दिखा कर तूने इसकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली और फिर लेने आ गया? तुझे पैसा दिया डूब गया तो? थोड़ा तो भरोसा रखना पड़ेगा ना, अगर यहाँ रह गया तो कर्जा तो क्या, मैं चाय वाले का भी पैसा नहीं दे पाऊंगा, और आपके सिवा मेरा है ही कौन। जरा अपनी बहन को देख, शादी के समय इसके पूरे बदन पर गहने थे, पर गिद्ध की तरह तो एक एक गहना निकल गया। भूल जा पैसे। बस जीजा जी, आखिरी बार मांग रहा हूँ। आके खा ले। पाँच में पाँच कम, एक में पाँच कम, 10 में 5 कम, 7 में 5 कम, 9:30 में 10 कम, किसी का भी टाइम करेक्ट नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है ना? अच्छी तरह चेक किया? नमस्ते सर। देखो पासपोर्ट डॉक्यूमेंट वीजा एकदम पक्का बना देंगा मैं, ठीक है? बस 38,000 लगेगा। बोले तो 17 तेरा और 17 मेरा, आधे आधे में हो जाएगा। हेलो, 38,000 रुपया एक आदमी का लगेगा मैन, 38 का आधा 17 नहीं 18 होता है, तुम स्कूल नहीं गया क्या? ए, पढ़ा लिखा जाहिल है ये, 38 का आधा 19,000 होता है, नकल करके पास हुआ इसीलिए पता नहीं है, आजकल जाहिल ही तो तरक्की कर रहे हैं। सोच नेसा, कम यार।
अच्छा बताओ अब विजी कैसा है? अरे उसको क्या होगा सर, गटर के चूहे की तरह फोकट का खा खा के फूल गया है। नमस्ते सर। अरे बैठो बैठो, ये इधर का चपरासी है, इसका नाम नेसा है, ये भी तुम्हारी तरह बाहर जाने को ट्राई कर रहा है, ये बचपन से परमानेंट म्यूट है, फिर भी जाओ, ये तुमको सब समझा देगा, जाओ। ठीक है सर, चलता हूँ। सर आपने कहा परमानेंट म्यूट है, तो कैसे बताएगा? जाओ मैन, सब बताएगा। अरे चलना, जाओ ना। अरे आ रहा हूँ यार, थैंक यू सर। नमस्ते दद्दू। वीजा चाहिए? कौन से गांव से? ओडिशा। लंदन का वीजा तो उसके लिए पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो ना, एक आदमी का 7,500 रुपए लगेगा। अच्छा एक काम करो, इन दोनों को आईडी वाला फॉर्म दे दो। मेरा वोटर आईडी चलेगा ना? अरे यहाँ का वोटर आईडी ना चिंदी है। चिंदी? चिंदी बोले तो? अरे भाई चिंदी। हाँ। तो मन पड़ा है क्या? अरे लंदन में इंडिया का आईडी प्रूफ कैसे चलेगा? हाँ। वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया तो दिखाने के वास्ते आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ तो मांगता है ना, समझता नहीं है। सर अगर वहाँ की पुलिस पकड़ी तो डिपोर्ट कर देगा मैं। डिपो पे बस थोड़ी पकड़नी है। अरे बस डिपो की बात नहीं कर रहे। हेलो अंगूठा छाप, डिपोर्ट का मतलब इंडिया वापस भेज देगा। ऐसे कैसे इंडिया वापस भेज देगा? अरे आपका माल है। अरे आने का पैसा बच जाएगा। तुझे दिखा क्या? कहीं ये कोई मुर्गा तो नहीं, या फिर कोई शुतुरमुर्ग है? सुन चमचे, ध्यान से देख, चाहे कुछ भी हो वो भाग ना पाए। भाग गए तो क्या होगा, हम दोनों की धुलाई होगी और तेरा बनेगा मुर्गुसल। बात कर रही हो? Are you ready to see what happened next? Yes. हट, नीचे उतर। सास बहू का सीरियल नहीं है, एक्टिंग के नाम पे कलंक है ये लड़की। सॉरी। और तू लट्टू की तरह नाच क्यों रहा है? इसमें थोड़ी लचक चाहिए। ऐसे आपके लिए फोन है, कोई आपसे बात करना चाहता है। हाँ चालू रखो। अरे एक तो सर पे मारती, ऊपर से खुद ही चिल्लाती। हाँ ठीक है पप्पू, एक्सप्रेशन चाहिए। तू यहाँ कैसे? क्या बे, गांव में सबको बोलता है हीरो बन गया है और इधर जूनियर आर्टिस्ट। अरे जब से आया हूँ मुझे कोई बड़ा रोल नहीं देता यार, इससे मेरी एक्टिंग की भूख नहीं मिटती थी। यहाँ एक्टिंग की भड़ास भी निकालता हूँ और खाने को भी मिलता है। अच्छा अब तू कौन सा कैरेक्टर कर रहा है? आए? सर गधे का। तो फिर बंदर की तरह कूद क्यों रहा है? एक्टिंग दिमाग से नहीं की जाती, यहाँ दिल से निकलनी चाहिए। चलो रिहर्सल करो। ठीक है सर आता हूँ। ये बदतमीज कौन है? ये मेरे मास्टर हैं, एक्टिंग सिखाते हैं सबको। एक्टिंग सीखी, तमीज कौन सी? अभी ऐसा मत बोल। बूढ़े का नाक कितना बड़ा है। चल बाहर चलकर बात करते हैं। अरे आना। अरे तू बिना बताए कहाँ से टपक पड़ा बे? अरे तू ही तो बके जा रहा था, आजा मिलने आजा मिलने। तार मिला तो मुंह उठा के आ गए। मैंने कब तार भेजा? वो छोड़ पते की बात सुन, वो बीजी है ना, उसी की तरह हम भी विदेश जा रहे हैं। ए, वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है, लंदन में बहुत झोल किए हैं, तू भी वही करने जा रहा है क्या? मेरी शक्ल से क्या मैं झोलू बास लगता हूँ तेरे को? अरे वहाँ जाके मेहनत करूंगा, दोबारा फ्रॉड करने की बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ गया ना? हाँ एक और बात, हम इधर पासपोर्ट के लिए आए हैं और इधर ही चुरकेंगे, और जब तक आईडी नहीं मिलती हम टस से मस नहीं होंगे। तेरा दिमाग खराब है क्या? मास्टर चिल्लाएगा, ऐसे मिलने आ जाओ। पर रुकने के लिए तो थोड़ा मुश्किल है यार। अरे राजेश इधर आ। आ रहा हूं। ठीक है चल फुट ले। माफ करना भाई। बोला ना कल्टी मार। यहाँ तेरे इलाके में आसपास कहीं 1500 रुपए में कोई भाड़े का घर मिलेगा क्या? हैं? हेलो बोलिए। इसके ना कान में कचरा है, थोड़ा चिल्ला के बोल। हाँ। क्यों है क्या? नेसा। हाँ? कैसा है? ये गंजा ही दला लेके। किसको घर चाहिए? इंदु जूनियर। ये कहाँ के हैं? मदुरई से आया है। मदुरई में क्या सुनामी आई है जो लोग वहाँ से भाग भाग कर यहाँ चले आ रहे हैं? इसे मेरा कमीशन बता दिया है ना। ब्रोकरेज के चक्कर में आपने सच में पुलिस की नौकरी छोड़ दी? और नहीं तो क्या, पुलिस में भी वही होता था, ड्यूटी पर पहुँचते ही सारे मनुष्य सामने आ जाते थे, फिर उन्हें रोज कोर्ट लेकर जाओ। इतना समय नहीं था कि घर वालों के साथ पिक्चर जा पाऊँ या मंदिर जा पाऊँ, बात बात में शक करने की आदत हो गई। पुलिस की नौकरी में जितना 30 साल में कमाता ना उतना या 3 साल में कमा लूंगा अगर दलाली अच्छी मिल जाए तो। झगड़ा चालू है। इस मकान मालिक के 2 बच्चे, एक सऊदी चला गया और दूसरा अमेरिका में रहता है। वो या पैसे भेजते हैं जिससे ये मकान खरीदता है। अच्छा तुम मुस्लिम या क्रिश्चियन तो नहीं हो ना? नहीं क्या है, वो मुस्लिम क्रिश्चियन को मकान नहीं देता है,
नहीं ये तो गलत बात है। घर को मजहब से क्या जोड़ना, सभी लोग इंसानी है ना। अरे वो उसका घर है, उसकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। सर्कस कर रहा है। रात को 10 बजे बाहर का गेट बंद हो जाएगा, इसलिए लेट नहीं आने का। मेरा कुत्ता तुम्हारे साथ सोएगा तो उठाना नहीं। मेरे साथ क्यों सोएगा? अरे क्या फर्क पड़ता है, वो कुत्ता है ना, वो छोटा और घने बाल वाला है, सर्दी में गर्मी का एहसास देगा। साथ में कोई मेंटल वेंटल तो नहीं है ना? नहीं एक ही है वो। सबके सामने इज्जत का फालूदा करता है, अगर ऐसा ही करना था तो मेरे को साथ में क्यों लाया? मटन मच्छी नहीं बनाना, पिज्जा बिल्कुल नहीं खाना, मेहमान आए तो जल्दी भगाना, रात को टाइम से घर आना, मेरा भाड़ा हर महीने 1 तारीख को चुकाना, और अगर नहीं चुकाना तो तुम सब बाहर जाना। ऐसे घर में रहने से तो अच्छा है कि फुटपाथ पे सो लो। पायला गो मौसी, इन बेचारों को घर चाहिए। हम बेचारे हैं, बैचलर है। हाँ हम दोनों तो बैचलर है, बस इसका घर उजड़ गया है दादी। हाँ बैचलर है, बैचलर्स के लिए घर नहीं देता। समझ नहीं आता दादी गुस्सा क्यों हो गई, लगता है 60 साल में सठिया गई है। अबे ओ, यहाँ किसी को भी दादी नहीं बोलने का, सिर्फ मौसी बोलने का। हाँ। अच्छी पार्टी है, मैं अभी पहुँचता हूँ, तू वहीं रुक। कम मत दे यार। अरे क्या कल तक तो यहाँ गली थी, आज टॉयलेट किसने बना दिया? अगर मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ तो इस सब के पीछे गुरुद्वारे का हाथ है। गुरुद्वारे का, वो कैसे? आज जब मैं शहर आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे। फिर मुझे याद आया कि खाना मिलेगा तो गुरुद्वारे के लंगर में, वहाँ खाने के साथ एक आइडिया मिला। लंगर के खाने को बेचकर मैंने स्कूल बनाया, बस 10,000 दे दो तो बाकी काम भी हो जाए। अब क्या कहूँ, अब स्कूल के भिख मंगे, इन दोनों को आज से ही यहाँ रहना है। ऐसी कौन सी आग लगी है, पहले कहीं रुके थे ना, वही कुछ दिन और रुक जाओ। सुन बे, उन्हें तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी लगी, ATM से पैसे निकालने गए हैं, अब तुझे जो जो चाहिए ना सब का ऑर्डर कर दे, उनके आने तक यही रुके रहना। सच कह रहा है? ठीक है ठीक। बिजली का बिल तुम्हें भरना पड़ेगा। शादी में आया है क्या भाई? मकान मालिक का बिजली का बिल भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा, यहाँ यही रूल है। ठीक है वो भी हो जाएगा सर, अब पानी मिलेगा? कहाँ के हो? मदुरई। कौन दूर है? मदुरई। मदुरई नाम सुन के भड़क क्यों गया, पानी तक नहीं। मदुरई चेन्नई दोनों सौतन है, इसलिए एक नहीं होती। कैसी हो? इस घर में कुंवारी लड़कियां रहती हैं। अरे ये शरीफ है, चाहो तो शराफत का सर्टिफिकेट देख लो। पहले भी एक सर्टिफिकेट वाला आया था, एक लड़की को भगा ले गया। नहीं चाहिए शुक्रिया, बचा के रखना। ठीक है ठीक है। अरे इसके तो हाथी के बच्चे आगे चलना। जय गणपति बप्पा। इसका तो स्पेलिंग ही गलत है, इसका सनमाइका गायब है। रावण का दरबार है, हमेशा सर झुका कर निकलो। मैं कह रहा था ना कि लड़की पटाना बहुत आसान है लेकिन घर ढूंढना बहुत मुश्किल। ए वसवराज मैं आ रहा हूँ, वहीं रुको। हेलो सर, मैं चाय वाले की दुकान तक पहुँच गया हूँ। किस कलर की शर्ट है आपकी? काले रंग की। पिछली बार भी आपने वही शर्ट पहनी थी, एक ही शर्ट है क्या आपके पास? ए भाई जरा ढंग से ना आना। नहीं नहीं आपसे नहीं कह रहा। ए पारसार्थी, तुम्हारे इलाके में कोई घर है क्या? क्यों तुम्हारे इलाके में क्या सब लोग सड़क पे सोते हैं? ये घर है या खंडर, कोई दीवार ही नहीं है, एकदम आलीशान मकान है। 24 घंटे यहाँ पानी है, बिना दरवाजा खोले या समंदर की हवा आती रहती है। ये घर छोड़ने के बाद लोग अपने नए घर में जाते हैं, इसीलिए मकान मालिक इसे ठीक नहीं करवाता और बिल्डर इसे पैसे देते हैं मकान ठीक ना करवाने के। कहानी बाद में सुना, घर दिला दे यार। चिंतामणि नमस्ते। हाँ नमस्ते। ऊपर वाले घर के लिए पार्टी है। मिल गया, सारे नियम बता दिए। हाँ सब बता दिया। जय बाबा। चाबी चाहिए थी घर। अरे बंद नहीं है, ऊपर वाले के भरोसे ही छोड़ा। हाँ ठीक है, ये घर जवाई बन कर आया था, मकान मालिक बन गया, देखा क्या जमाना आ गया है। ताई ना पैर अंदर रखो, क्या हवादार घर है, हवा महल इसी को देखकर बनाया था। मेरा कमीशन कम मत कर देना बस। मुर्गन छत को तो देख के लग रहा कि आज गिरेगी कल। अगर पसंद नहीं है तो अपन उस स्कूल वाली भिखारी के घर चलते हैं ना। नहीं नहीं गिर भी गई तो तारे दिखेंगे ना। क्यों भाई साहब घर कैसा लगा? हाँ, करोड़ों में एक, बहुत अच्छा है। चिंतामणि पड़ोसी का घर नहीं है, तेरा घर है, अंदर आके बात करना। अरे इन्हें अकाले के टाइम पर आऊंगा। अगर वो पूछे शादीशुदा हो तो हाँ कर देना। और अगर पकड़े गए तो? अरे वो हरिश्चंद्र की औलाद, ये बता तुझे घर चाहिए कि नहीं? हाँ, बोल दूंगा, बोल दूंगा। पीछे है। साहब बैचलर हो क्या? नहीं नहीं शादीशुदा है। तो भाभी जी को नहीं लाए? वो पेट से है इसीलिए नहीं लाए। किस्मत तुम्हारी बहुत अच्छी है जो भाभी ने खुला छोड़ दिया है। एक मेरी बीवी है जो मुझे खच्चर समझती है। तुमने क्यों बोला कि मैं शादीशुदा हूं? निकालने के लिए बोलना पड़ता है। और सुनो, यहाँ पर मकान लेने के लिए ये पहली शर्त है, इसलिए चेहरे पर घबराहट मत लाओ, खुद पर कंट्रोल रखो और मुस्कुराते रहो। 9 महीने के बाद इसने पूछ लिया कि बीवी आई क्यों नहीं अब तक, तो क्या कहूंगा?
तो कह देना कि वो बहुत गोरी है, यहाँ धुएं से काली हो जाएगी। उसने कहा है कि जब तुम घर में एसी लगाओगे तो मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाऊंगी। घर के लिए इतना ड्रामा? यहाँ पर कौन कौन रहने आया है? हम तीन लोग हैं, मैं, मेरी बीवी और ये। कबाब में हड्डी? नहीं हड्डी नहीं, इन्होंने मेरी माँ से मुझे गोद ले लिया। तू क्या इनके साथ पैकेज डील में आया? करेक्ट आंटी, मेरी माँ ने बोला था च्युइंगम की तरह चिपक के रहना, तभी से लगा पड़ा हूँ। किराएदार जी, आपने अपना नाम नहीं बताया। सर मेरा नाम पप्पू है। और वाइफ का? कार मेघा है। मेघा कार में पैदा हुई थी? वो ऐसे जैसे कार के साथ मेघा है तो कार मेघा। समझ गया समझ गया। तो पैदा होने पर कार फ्री मिली थी? है? तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, जाओ खाना बनाओ। मैं हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर वाले ने इसमें डॉल्बी सिस्टम लगा के भेजा? अग्रीमेंट कैसे मिलेगा? जैसे ही तुमने घर में कदम रखा एग्रीमेंट का मीटर चालू हो गया। मेरा दोनों हाथ ले लो। वाओ। क्या है ये सब? पिकनिक पर जा रहे क्या? नहाने के लिए बाल्टी, सोने का तकिया मैट, और मच्छर मारने के लिए गदा। खून चूस लेते हैं, मलेरिया हो जाएगा ना। अबे गधे, 15,000 वैसे ही एडवांस में दे दिया, पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं? अरे झाड़ पे नहीं उगते तो क्या, लंदन जा रहे हैं ना, कमा लेंगे वहाँ पे जाके। कोई शक है क्या? चुप कर, रख दे। ए चुपचाप बिल बना। दाएं की बाएं? घर दाएं तरफ है, दाएं मोड़। नेसा ये ले एग्रीमेंट। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 16/5/85। 30 साल का हो गया, लगता नहीं है। थोबड़े से तो 40 साल का लग रहा है। ए बजाऊं क्या कान के नीचे? चेहरा सूजा हुआ है। इधर वाइफ वाला कॉलम में एक लड़की का नाम लिख दो। ओके ओके सर। सर मैंने अब तक शादी नहीं की। अरे हमको मालूम है मैन, ब्रिटिश काउंसलर बैचलर को वीजा इशू नहीं करता है ना। उसको लगता है अगर वाइफ और बच्चा होएगा तो आदमी वापस लौट कर आएगा ही। अरे क्या सर, वाइफ और बच्चों को इन लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट समझ के रखा है क्या? तुम कोई नाम लिखो मैन। पर ये तो फरेबी हुई ना सर। अरे अगर फॉरेन जाना है तो नाम तो लिखना ही पड़ेगा ना मैन। अरे मौका मिला चौका मारो, क्या धोखा पूछता है। बैट बॉल खेलना है। ए लिख पी तमन्ना। ए पी क्या? पी फॉर पांडी, मिसेस तमन्ना पांडी। और तू लिख पी अनुष्का शेट्टी। अरे कोई भी नाम लिखने के चक्कर में अपने मकान मालिक की बीवी या बेटी का नाम मत लिख देना, अगर पुलिस वेरिफिकेशन करने आएंगे तो फंस जाएगा मैन। ध्यान से। कार मेघा कुड़ली। क्या कार मेघा? मेघा सुना था कार? मेरे दिल में आया तो मैंने लिख दिया, पासपोर्ट का मैटर था ना। ए, इसे पूछ क्या लिखा इसने। तूने क्या लिखा था बे? पी तमन्ना। क्या? ए, पूरा नाम तो पूछ। तुम लोगों की बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। ए, देख तुझे बेवकूफ बोल रहा है। मुझे बेवकूफ बोला? तेरे बाप का बाप हूं मैं। क्या करूंगा जानकर? पहले फैसला कर। अबे रोक, नहीं तो डस लूंगा, समझा? तूने मुझे बेवकूफ बोला ही कैसे? हलक से जबान खींच लूंगा तेरी। पूरी हो गई। इस हादसे में हमारे जाने माने सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर जगन राव किस्मत से बच गए हैं, वरना आज उनकी बोलती बंद हो जाती। कैमरामैन सुकुमार प्रजापति के साथ मैं कमलेश कार्मेघा। सीधे बैठिए, लेंस में देखिए, दोनों अंगूठे वहां रखिए। अपनी टोपी निकालिए। टोपी? अरे ये मेरे बाल हैं। चिड़िया का घोंसला लग रहा है, ठीक करो। कर दिए। लेंस में देखो, हो गया, फोटो सेशन नहीं हो रहा है। थंब वहां रखो। पासपोर्ट क्यों चाहिए? सर विदेश जाके पैसे कमाने। जब पढ़ाई यहाँ पे की है तो वहाँ क्या करने जा रहे हो? सर वहाँ पे आमदनी अच्छी होगी ना। यहाँ कितने साल से हो? दो साल से सर। सर ये क्या है? इतनी गर्मी में आए ना, रख लीजिए। हमारी जीप में सरकार ने एसी लगाया है, हम नहीं लेंगे। सर बच्चों के लिए चॉकलेट ले लेना। बच्चे मेरे हैं, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। इस घोंचू को कहीं देखा है? थोड़ा इज्जत से बात करो सर। सर हमारा पासपोर्ट कब आएगा? आएगा आएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा।
अगर तुम लंदन में बिना वीजा के पकड़ा गया तो वो तुमको 2 हफ्ता के लिए कैंप में रखेगा, उसके बाद तुमको वर्क परमिट दे के छोड़ देगा। अगर वहाँ तुमको काम नहीं मिलता तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हर महीने 400 पाउंड भीख के माफिक भत्ता मिलेगा। इधर के हिसाब से कितना? इधर के हिसाब से 40-45 हजार होगा। तो मतलब उधर खाट बिछा के आराम से सोएंगे तो भी गवर्नमेंट अपने को महीने का 45 हजार बैठे बैठे दे देगी? हाँ बिल्कुल। अरे पप्पू, अंग्रेज तो बड़े संत आदमी थे, तो उनको भगाने की क्या जरूरत थी? तू छुप रहे ना। अरे इतना ही नहीं, 4-5 क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, और अगर तुम उधर बैंक अकाउंट भी खोल लेगा तो बहुत सारा लोन भी मिलेगा। और अगर उधर 6 साल रुक गया तो जिस घर में तुम रहेगा वो घर तो तुम्हारा हो ही जाएगा, और जब तुम इंडिया वापस लौटेगा तो 40-50 लाख खैरात में मिलेगा। अच्छा, अगर वहाँ की सरकार इतनी मदद करती है तो लोग उन्हें बदनाम क्यों करते हैं? आम खाना गुटली क्यों गिन रहा है? वो लोग जो चुरा के ले गए उसका क्या? हमारा देश पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो अभी मुर्गी बन चुका है, कोई भी खा जाता है। दलाल भाई एक सेल्फी लेते हैं। अरे नहीं, मुझे शर्म आता है, तुम लोग पोज दो। आप दलाल हो, शर्म का क्लिक कीजिए ना सर। कैमरा किधर होता है पता है ना? ऊपर ऊपर सर, चश्मा दो ना। भाई साहब, ये पानी का कैनवा खाली करके काम का वापस करा। ए अंदर आके ले ले चल। कहो, मदुरई से हो? हाँ बे, तेरे को कैसे पता? अरे वहाँ के लोग चतुरी लाल है, कहीं भी रूम ले लेते हैं। मतलब? अरे भैया तुमका नहीं पता, यहाँ कोनो लटक गया था, अपनी बहना का गहना बेच के आया था, सोचा विलायत जाकर पैसा कमा कर वापस आऊंगा। उका प्लान अटक गया, ससुरा यहीं फांसी पे लटक गया। फांसी की रस्सी भी नहीं निकाली और घर भाड़े भी दे दिया। भूत भीत का तो लफड़ा नहीं है ना? निशा, यहाँ पर किसी ने आत्महत्या की है और मुर्गन ने हमें बताया क्यों नहीं? तेरे को पता था कि नहीं? गुंगा क्या बोला रे? ये गुंगा ये बोलना चाहता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अगर एक मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे किराएदार जी, क्या हुआ, खुले में क्यों सो रहे हो? घर मुर्दा घर बन चुका है, बोल रहा है खुले में क्यों सो रहे हो? इसके डायलॉग का लेवल मेरे कान तक नहीं पहुँचा। वो क्या है कि अंदर बहुत सारे चूहे हैं, वो तो है, अंदर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, तो हमने सोचा हम बाहर ही सो जाए। अच्छा सुनो, बाहर सोने के अलग से पैसे लगेंगे। अलग से क्यों लगेंगे? हम घर के बाहर सो रहे हैं तो भाड़ा कम करने की बजाय बढ़ा क्यों रहे हो? अबे अंधे, वो सर पर क्या लगाया है? वो तुमको समझ में नहीं आएगा, सो जाओ। क्यों भाई साहब, वो भाभी अभी तक नहीं दिखी, कहीं मिस्टर इंडिया की घड़ी तो नहीं पहनी है? मैंने आपको बताया था ना, मेरी बीवी पेट से बस 3 महीने हो गए और 6 महीने के बाद आ जाएगी। ठीक है। तुम्हारे बिन में कितना दिन ऐसे सोएगा? मुझे छोड़ के क्यों गया? मैं तुमको मना किया था। मेरे पास आओ, इधर उधर क्या देखती? चौंकने का जरूरत नहीं, आंख मत पड़ो मेरी में ना, तुमको प्यार है ना। क्या हुआ? दुनिया में सब उल्लू है। हंस रहा है ये, लगता है खाली सपने में ही बात करता है, आगे से सुला के ही बात करेंगे। अरे बेवकूफ, ये खंचक्कर हमें येड़ा बना रहा है। सही बोला यार। अरे ओड़े हाँ। नेसा हाँ? एक गाना करके दिखाना है। गाना गाना हाँ है हाँ, वो बॉस है नेसा हाँ? थोबड़े पे पत्थर मारूंगा ना, 32 ही बाहर आ जाएगी। रात को चंपा गली को बुला रहा था, आजा आजा बाहों में समा जा, हमने सब देखा। सॉरी सर, मेरा इरादा तुमको नुकसान पहुंचाना नहीं है, वो मेरा फैमिली इधर आया था, वो गुम हो गया। कैसे? मैं श्रीलंका से आया, कुछ दिन पहले मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ श्रीलंका से भागकर बोट में यहाँ आया, पर मेरा फैमिली साथ से के बाद कहीं खो गया। मैं तब से अपना वाइफ और बच्चा को ढूंढती लेकिन मिला नहीं। हाँ तो लापता का पोस्टर लगवा, पुलिस को इतला कर। हम इधर रेफ्यूजी, पुलिस में कंप्लेन किया वापस भेज देगा। वो तो ठीक है, पर तूने हमसे क्यों छुपा है? हम अगर हिंदी में बात करता तो पता चल जाता मैं इधर का नहीं है, फिर उसके बाद हमको पुलिस जेल में डाल देता। ऐसे कैसे जेल में डालेंगे, हलवा है क्या? तू चिंता मत कर, आज के बाद तू तेरी टूटी फूटी हिंदी में ही बोल। इसी वजह से मैं और पप्पू लंदन जा रहे हैं, तू बाथरूम में जा। पासपोर्ट तो पक्का बन गया, बस लंदन के वीजा का इंटरव्यू अच्छी तरह से देना पड़ेगा।
लेकिन इसका नूडल जैसा बाल देखकर लगता नहीं कि वो लोग इसको सेलेक्ट करेगा। क्यों दलाल भाई, क्या मैं शक्ल से चोर दिखता हूँ? गधे की तरह काम करूंगा। अरे मैं तुम उधर काम तो तब करेगा जब वो लोग तुमको उधर भेजेगा। अरे अंदर आओ ना जी। क्या कर रहा है? देखो एक चमत्कार हो गया, सुबह उठते ही गुंगा बोलने लगा। दलाल भाई इसकी जबान आ गई है तो खुशी में पेड़ा बांटो ना। मैंने तुम्हारे अकाउंट में 8,50,001 रुपए डाले और मेरे अकाउंट में तकरीबन 20,35,000 डाल दो। इतनी औकात है तेरी? अरे तू डाल देना, वो क्या तेरी जेब से जा रहा है क्या? ना ये मेरी जेब से जाएगा और ना ये तुझे मिलने वाला है। ये वीजा इंटरव्यू के लिए पासबुक में 6 महीने का एंट्री दिखाना जरूरी। अब इस बोगस पासबुक के लिए बोगस साइन। काका चलो फटाफट कारीगरी दिखाओ। ये क्या किया काका, आखिर में पोछी क्यों छोड़ा? जैसे चेहरा बदलता है वैसे ही सिग्नेचर भी चेंज होता है। ओ, ऐसा क्यों? जैसे दिन रात बदलते हैं सिग्नेचर भी बिल्कुल वैसे ही बदलता है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो वो नकली लगेगा। दद्दू आपकी इतनी अच्छी कला है, इसे आप कब्र में ले जाना चाहते हैं? जरा सोचिए, अगर आप लुढ़क गए तो आपके साथ आपकी कला भी लुढ़क जाएगी, तो दूसरे विदेश कैसे जाएंगे? सही पकड़े हो, मेरी बात मानो, मुझे अपना चेला बना लो। ये एक जंग है, जंग सामने वाला तुमको हराएगा पर हारना नहीं है। तुम जितना मोटा उतना कॉन्फिडेंस। अगर मान लो वो तुम्हें पास नहीं करना तो तुम क्या करना? मैं उसकी हड्डी तोड़ दूंगा। वो सवाल पे सवाल पूछेगा, वो इतना ऊंचा बोलता सर में दर्द, उसका आवाज सुन के कान पड़ता। अरे निसा, झूठ बोलने में आपने PhD कर रखी है, तू बस देखता जा। वहाँ झूठ बोल के तुम्हारी दाल नहीं पकने वाली, वहाँ झूठ के तड़के के साथ होशियारी का अजवाइन भी बहुत जरूरी। इसके बाद लंदन। डोंट वरी, हिम्मत रखो, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। ए चल लंदन। भाड़ के आता हूँ। ए जल्दी कर, बकरा आ रहा है। बकरा मतलब सर, नमस्ते। मैं तृप्ति न्यूज की रिपोर्टर हूँ सर। जो लोग जॉब के लिए फॉरेन जाते हैं मैं उन पर न्यूज कवरेज कर रही हूँ। आप कुछ बोलेंगे सर प्लीज? माने इंटरव्यू ना देने के लिए कसम दी है सर। बस 5 मिनट, कुछ भी बक दो सब चलेगा। हमको माँ प्यारी है। पर सर 5 मिनट, चल दूसरा बकरा ढूंढते। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज पप्पू। नाइस नेम, आई लाइक योर नेम। थैंक यू सर। तुम हिंदी में बात करो, मुझे हिंदी आता है। तुम क्या काम करते हैं? कुछ नहीं सर, किराए से काम चल जाता है। मेरे नाम पर 4 घर हैं, 4 साबुन की फैक्ट्री है सर। मूड फ्रेश करने के लिए और रिलैक्स होने के लिए मैं लंदन जा रहा हूँ। तुम्हारा बीवी भी है, वो क्यों नहीं जाते हैं? मेरी वाइफ पेट से है सर, प्रेग्नेंट सर। लॉन्ग ट्रेवल नॉट अलाउड ना। कंग्रेचुलेशंस। धन्यवाद सर। वैसे तुम हमारा ही लंदन में घूमने के लिए क्यों जाना चाहता है? सर 400 साल पहले अंग्रेज यहाँ आए थे, हमारे शहर की हरियाली की वाट लगाकर रख दी। मरीन ड्राइव पर बिना चप्पल निकाले चढ़ जाते, ये तमीज है। हमारा कोहिनूर हीरा ले गए, मैंने तो कभी नहीं पूछा क्यों आए। अब हम लंदन जाएंगे, उनको तमीज सिखाएंगे और कोहिनूर का हीरा ले आएंगे। और हमारे ताजमहल के सामने वहाँ की रानी का राजमहल भी बहुत फीका है। तुमने ताजमहल पहले देखा है? अब नहीं सर। आई वेंट देयर लास्ट ईयर, बहुत सारो छे। अच्छा, तुमने दिल्ली का लाल किला देखा है? कलर तो निकल गया होगा सर। चेन्नई के पास का महाबलीपुरम? नहीं नहीं देखा सर। आगरा का किला देखा है? आज शाम को जाऊंगा सर। शाम को? नंबर 34। अबे मुझे उल्लू का पट्टा समझा है, पहले अपना देश घूमो, उसके बाद तुमको UK का वीजा मिलेगा। सर वो जगह तो यहीं पर है ना सर, मैं कभी भी घूम लूंगा सर। तो लंदन कंट्री भी वहीं रहेगा, फिर घूम लेना। सर सर सर, बचपन से लंदन जाने की तमन्ना है सर। वहां से आने के बाद मेरे पास टाइम ही टाइम होगा सर। यहाँ पे तो वीजा भी नहीं लगता, कभी भी देख लूंगा सर। अब आप वीजा बना दीजिए, तब तक मैं घूम के आता हूँ। I'm sorry. सर मेरी बात तो सुनिए। Excuse me सर, मैं वहां से वापस आऊंगा सर। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है सर, मैं वहां रुक नहीं सकता ना, दूसरा बच्चा होने वाला है। काजू कतरी खिलाऊंगा सर। तुम कितना भी मस्का लगाओ मैं नहीं मानूंगा। आप लंदन नहीं जा सकते, I'm sorry. नेक्स्ट नंबर 35। अरे 10वीं में इतने ही परसेंट मिले थे।
हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तुम लंदन क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम इंडियन हो? क्वालिफिकेशन क्या है? सॉरी सर। ए, एक मिनट, मुंह क्यों लटका जे? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया? क्यों? तूने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कहा, फिर भी रिजेक्ट। अंदर होशियारी के अजवाइन के साथ जूट का तड़का मारा? वो अंग्रेज का बच्चा मुझसे कहता है कि तुमने ताजमहल या लाल किला देखा है कि नहीं। तुमने क्या कहा? अरे जब नहीं देखा तो नहीं कहूंगा ना। फिर पूछता कि आगरे का किला देखा है? क्या बोला तुमने? मैंने कहा शाम को देख लूंगा, रिजेक्ट कर दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, सूरज डूबने वाला है ना जी। अच्छा वो पांडा का है? क्या पता। आगे आगे क्या हुआ? पता नहीं क्यों दिल जोरों से धड़क रहा है। क्यों, क्या कहा उसने? उसने बोला मैं लंदन जा सकता हूँ। क्या? उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। मतलब तुझे वीजा मिल गया? हाँ तो ताजमहल के बारे में पूछा था? हाँ पूछा। जवाब क्या दिया? मैंने बोला देखा है। झूठ क्यों बोल रहा है? गांव के बाहर कभी गया क्या? हाँ तो ये बात तुझे पता है ना, उनको थोड़ी पता है। अगर मैं उनको ना बोल देता तो इतने दिनों की मेहनत का गुड़ गोबर हो जाता और लंदन में नहीं जा पाता। दिन भर तो झूठ बोलता ही हूँ, और जिस झूठ से काम बने वो तो पक्का बोलना चाहिए। बेईमानी करेगा तू, बेईमानी करेगा। जल्दी बता झूठ क्यों बोला तूने, गलत किया तूने, क्यों झूठ बोला? हिंसा नहीं अहिंसा। वैसे भी इसका मोटा चमड़ी पर असर नहीं होगा। अब सुनो, आज के इस घटना से तुमको सीख जरूर मिला होगा। तुम्हारा एक झूठ भी तुमको लंदन पहुंचा सकता था। ए नेसा, ये ना इंसाफी है ना। जब दोस्त पास हो गया तो इसको खुश होना चाहिए ना। मेरे को मार मत, पहले ही बोलता हूँ तेरे को, वरना शराब दे दूंगा। और ऐसा शराब दूंगा कि तेरे बच्चे भी कभी विदेश नहीं जा पाएंगे। ए ए, तू मेरी वजह से विदेश जा रहा है, समझा ना? ए पप्पू सॉरी यार। उस इंग्लिश मुर्गे ने जरूर तेरे अंदर का फायर देखा होगा। फायर से याद आया, मेरे बाद जिसका नंबर था ना, वो एक नंबर की पटाखा थी। किसका फोन है? दीदी का फोन है। अबे तो देख क्या रहा है, उठा ना। ए, ए, हाँ दीदी, जीजा जी कैसे हैं? ए, जरा गोबर को फोन देना, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। अरे बेवकूफ कहीं का। हाँ दीदी बोलो। क्यों रे, काम निकल जाने के बाद अपनी बहन को ही भूल गया क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ए, तू लंदन जा रहा है या नहीं? इंटरव्यू तो दिया पर पांडी सिलेक्ट हो गया। मैं 6 महीने के बाद कोशिश करूंगा। ए, ये क्या बोल रहा है, तुझे छोड़ के उन लोगों ने उस मोटे भैंसे को सिलेक्ट कर लिया? दीदी इतनी परेशान क्यों? एक गड़बड़ हो गई रे, मैंने तेरे जीजा को कहा तू लंदन में ही है। अरे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अरे 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 अरे, अपनी बकवास बंद कर, दिमाग में गोबर घुस गया क्या? हाँ अगर तेरे जीजा को पता चल गया ना तो जीना हराम करके रख देंगे। अगर तू भाई है तो 6 महीने तक यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। अब चाहे बिल में छुप या गुफा में, बस इधर मत आना वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। फोन कट करो। हाँ कट कर, सारे नल्ले मेरे ही पल्ले पड़े हैं। लगता है उस बुड्ढे ऑफिसर को मेरी छींक बहुत पसंद आ गई, इसलिए वीजा दे दिया। इसको तो उल्टी करना चाहिए था। आ रहा है आ रहा है, गरम चाय की तरह उबल रहा है। बोला था ना। अरे यार पप्पू, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मुझे वीजा मिल गया है और मैं लंदन जा पा रहा हूँ। सो गया क्या? क्या करता है? बहुत ड्रामा कर रहा है तू, गला दबा के मार दूंगा। फिर लंदन तू नहीं बल्कि तेरी आत्मा जाएगी। छोड़ दे इसको मैन, अगला इंटरव्यू 6 महीने बाद है, तब तक तू अपने गांव क्यों नहीं चला जाता? 7 लाख रुपए देंगे तो अभी चला जाऊंगा। ए दलाल, ये बहन का गहना बेचकर शहर में आया और साथ ही साथ वीजा के लिए ना जाने कितने सारे लोगों को लूटा है। इतनी मेहनत के बाद ये भला गांव क्यों जाएगा, है ना पप्पू? मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। ओके यहीं पे। चलो फिर से। ए भैया, तू इस चिड़ियाघर में काम करेगा? अकाउंट वाला जॉब है ना? हाँ। चालू रखो, मैं आता हूँ। अरे तू टेंशन मत ले। तो अब बोलो क्या है? सर ये लड़का राजेश का दोस्त है, काम के लिए आया है। नमस्ते सर। ठीक है, रख लो काम पे। थैंक यू सर। चल हो गया तेरा काम। शुक्रिया सर। बैठो। अरे बैठो, लग रहा है ना अकाउंट लग रहा है। काम ठीक से करना। जी 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 सर।
This is a form of folk art of India, very unique and precious. आजा खा जाऊंगा जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैं तेल लगा देता हूँ, दर्द हो रहा है। नहीं, क्या ढूंढ रहे हो? पेन ढूंढ रहा हूँ, यहीं पर था। थैंक यू। आ जाओ, खाना तैयार है। ये मेरे पूरा लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ कि किसी का वीजा इतना जल्दी आ गया। उड़ेगा जादू दलाल। कमाल हो गया। ए चरकोट, आंखें सेक ले। ए थूका क्यों? चुप ना। ए झिंगोर, अभी मैं लंदन का लंगूरू, समझा? ए ये वीजा देखकर इतना खुश मत हो, ये टूरिस्ट वीजा है, समझा ना? हाँ, जो भी हो तेरे को मिला क्या? क्यों दलाल, क्या बोलते हो? हाँ, लंगूर को हूर मिल गई। काका बताइए, वो लड़का कैसा है? कौन? अच्छा, वो नया लड़का। बढ़िया है। कोई कमी? कोई कमी नहीं है, वो ईमानदार है और अपना काम अच्छी तरह से करता है। आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये लो 3,00,000 रुपए हैं, 11 बजे तक बैंक में जमा करा देना। हाँ आप चलो। कौन सा राजा ऐसे चलता है? घूसखोर पुलिस वाले लग रहे हो। गाइस, स्टानिस्लावस्की ने हमें बताया है कि जो बाहर है हम उसे अंदर से कैसे निकालते हैं। देखो, कॉस्ट्यूम तुम्हें राजा का एहसास दिलाती है। अगर राजा की ड्रेस पहनी है तो राजा जैसा सोचो तुम। नहीं नहीं, तुम बैठो। पप्पू। हाँ? हाँ ठीक है, बढ़िया, अब आ गया हो। ऐसा चलते वक्त तुमने क्या सोचा बताओ? सर, राजा की तरह सोच रहा था सर। सुना तुम सबने, जैसे ही आप मेकअप करते हैं आप उस किरदार को अंदर से जीने लगते हैं। शुक्रिया सर। ठीक है, जाओ। सर आपने 1,000 एक्स्ट्रा दिया सर। मैं जानता हूँ। क्या ये गुरुजी ने मुझे देने के लिए कहा है? नहीं, ये उन्होंने देने के लिए नहीं कहा है, मेरी तरफ से है। अरे रख लो, एंजॉय। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? यहीं हैं या गांव में? माँ बाप गुजर गए हैं सर, बस मेरी एक बहन है जो मेरे साथ गांव में रहती है। शादी हो गई तुम्हारी? अभी तक नहीं सर, जब तक जिंदगी में कुछ हासिल न कर लूँ शादी कैसे करूँ सर। अजीब है ना, अच्छा कमाने के चक्कर में हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, हम जीना ही भूल जाते हैं। क्यों? इसका कितना? लंदन की ठंडी के लिए ये है कैसा? उससे अच्छा तो ये वाला है। ये तो भंगार लग रहा है। पांडा, अगर तुम नया नया पहनेगा ना तो तुम्हारा बांडा फूट जाएगा। अच्छा यही होगा कि छेद वाला स्वेटर पहनो। तो तेरी तरह मैं भी भंगार ले लूं। अयो स्वामी। सर, मान लीजिए उन्होंने मोटू को वहां पर पकड़ लिया, तो क्या इसे कुत्ते की तरह पीटेंगे? नहीं नहीं, वो लोग पीटेंगे नहीं, वो लोग इसको घसीटेंगे। अच्छा सर, अगर वहाँ इसका पासपोर्ट किसी श्रीलंकन ने चेक किया और उसे पता चल गया तो वो कुत्ते की तरह पीटेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मोटे, मैं तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूँ ना। ए भाऊ, शुभ शुभ बोलो, इसको वहां अच्छे से पहुंचना। सर सर सर, एक मिनट सर। क्या बात है? सर सर, हिसाब में कुछ झोल है, 40,000 की एंट्री नहीं दिख रही है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद ही देख लीजिए, ये देखिए सर, और ये वाला भी देखिए। हाँ मैं समझ गया, तुमने अकाउंट बनाया है, ठीक से टैली करो, हो जाएगा। सर तो भी टैली कैसे होगा? अरे थोड़ा बहुत चलता है। हाँ।
देख मास्टर को मत बताना। ए, अपने मास्टर ज्यादा खर्च ना हो इसलिए रिक्शे से जाते और मैं उनसे बेमानी करूं। तुझे क्या जरूरत है उसके लफड़े में पड़ने की? उसी की वजह से तुझे नौकरी मिली है। वो चाहता तो ए, कंपनी के लिए ईमानदार हूं या जिसने काम दिलाया उसके लिए? हाँ, तू भी तो लफड़ा करके फौरन जाने की सोच रहा था ना, वो कुछ नहीं। तो क्या एहसान फरामोश बन जाऊं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। देख, मैंने फॉरेन जाने के लिए जालसाजी की है मैं जानता हूं, पर क्या वहां जाके लूटने वाला हूं? बोलना। दलाल जी, आपने कहा था लंदन पहुंच के अपने पासपोर्ट और वीजा को जलाकर राख कर देना। मैंने बहुत सोचा पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया, क्यों सर? क्योंकि तुम किधर का ये प्रूफ उनको मिलना नहीं चाहिए। दलाल जी, इंडियन पासपोर्ट मिल गया तो क्या हो सकता है आगे? अगर तुम्हारा इंडियन पासपोर्ट उनको मिल गया तो वो तुमको श्रीलंकन कैसे मानेगा? इसी के वास्ते बोला। हाँ पांडे, टेंशन नहीं लेने का मैन। ठीक है, आ गए। नमस्ते सर। इन 2 सालों में मैंने तुमसे कभी हिसाब मांगा? उसको मत देखो, उसका जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूं तुमसे। नहीं सर, वो क्या है? अब तक कितना पैसा चुराया इसने? नहीं, मैंने इल्जाम नहीं लगाया सर, एंट्री में सिर्फ 40,000 का डिफरेंस नहीं मिल रहा है ना, यानी इसी ने चुराया है। सर, मैंने पैसे नहीं चुराए। मुझे हिसाब किताब देखने में तकलीफ होती है, इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने तुझे दी थी। सर माफ कर दीजिए, मैं आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा सर, विश्वास कीजिए, लौटा दूंगा सर। पैसा तो तुम जरूर लौटा दोगे, इस पर जो मेरा विश्वास था उसे लौटा पाएगा ये। सर, मेरी फैमिली है सर। हर गलती करने वाले की फैमिली होती है, बेईमानी करते हुए नहीं सोचा कि फैमिली है। ए, तुम सब यहाँ आओ, कम यहाँ। तुम लोग खुद को एक्टर्स कहते हो हैं? तुम लोग एक्टिंग के लिए घर बार और नौकरी छोड़कर आते हो और छोटे छोटे रोल करने के लिए 2 महीने रिहर्सल करते हो, लेकिन इसको देखो, 2 साल से ये इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, क्या मुझे पता चला? He's a great actor. You have to learn from him, not from me. इसलिए चल निकल यहाँ से। सर, क्या है? बेचारे को माफ कर ना बेटा, बेचारा बेचारा करके आज ये हाल है मेरा। जानते हो ये मेरे पास कैसे आया था? इसने मुझे बताया था कि मेरा पुराना मैनेजर बेईमान है। मैंने इसको ईमानदार समझा, पर ये तो उससे भी बड़ा बेईमान निकला। खाक बेचारा, शक्ल से पता ही नहीं चलता कौन बेईमान है कौन अच्छा है। दरवाजे का हैंडल किधर है? कहीं पे देख नहीं रहा है, फ्रिज ही उठा लूं क्या? ए पप्पू, ए कहां था तू अब तक? अरे नहीं रे, एक झंडू मिल गया था। वो देख, वेट लिफ्टिंग प्रैक्टिस। अंडा हां, टेल मी नेसा। तुझे बोला था ना भिखारी बन के जाना। अभी तो इंग्लैंड के आदमी से बात कर, जबान संभाल के बात कर, वरना इंग्लैंड की रानी नाराज हो जाएगी। तू तलाइवा का टी शर्ट पहन के जाएगा, तुमको पता चल जाएगा तो इंडियन है। चल पटापटी से निकाल और जाके चेंज करके आ, उसके बाद ही जाना। क्यों, अमेरिका का टी शर्ट पहनूंगा तो अमेरिका का हो जाऊंगा? बोल तो ऐसे रहा है जैसे ये कोई टी शर्ट नहीं बल्कि वीजा है। एक काम करता हूँ, नंगा चला जाता हूँ। अरे बोलने का लहजा बदल। ए निशा, बता रहे इसको क्या बताने का था? कुछ नहीं बताना, तू लंदन में लैंड करने के बाद इस टी शर्ट को बदलना। अब जल्दी से दफा हो जाए। चल फुट। बड़ा आया क्या, इधर खाना नहीं मिलेगा? पहले तू जाके खा ले, मैं तो अंदर चला ही जाऊंगा। तुम लोग भी दफा हो जाओ, बारिश आ गई तो अटक जाओगे, गटर के गड्ढे में गिर गए। अरे जाना। कैसे हो चौकीदार साहब, बाल बच्चे सब ठीक है ना? बाय बाय बाय। मेरे बिना इसका वहां पे क्या होगा? तू यहाँ शू करे थे पांडी क्यों? कुछ काम था। तू यहाँ क्या कर रहा है? अला हमारा पगार नहीं दिया ना, तो आंदोलन के लिए 500-500 रुपए में भीड़ इकट्ठा करके लेके आ गया। इतने सारे लोगों को? और नहीं तो क्या, बड़े बड़े खाटला तोड़ रहे थे। वो छोड़, तेरा जीजा मिला था, बोल रहा था तू विदेश जा रहे। हाँ, कल परसों में चला जाऊंगा। एला तेरा वो लंगोटिया पांडी क्यों?
वो तो चला गया तेरे को अकेला छोड़ के। अरे मेरे जाने से पहले वो वहाँ सब सेट करके रखेगा ना, वो सब छोड़। तूने मुझे यहाँ देखा नहीं और इस वक्त मैं विदेश में हूँ। अरे गांव वाले बात का बतंगड़ बनाएंगे, ठीक है? चल जा। अरे जा। जाओ, जय श्री कृष्ण। एक नंबर का जोकर है। हाँ, चल। एक छोटी सी चिंगारी जंगल जला के राख कर सकती है, बिल्कुल वैसे ही एक छोटा सा छूट पूरी जिंदगी का कबाड़ा करके रायता फैला सकता है। सुनो बच्चों। जी मास्टर जी। एक खुशखबरी है तुम सबके लिए। उतारो मुझे। लंदन इंटरनेशनल प्ले फेस्टिवल में हमारा नाटक सेलेक्ट हो गया है। सर मुबारक हो। ओके। सुनो, शांत हो जाओ सब लोग। जिनके पास पासपोर्ट है वो काका को दे दो और जिनके पास नहीं है वो जल्दी बनवा लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जी मास्टर जी। सुनो मिस्टर पप्पू, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। सर क्या हुआ? पर मैं तो नाटक का हिस्सा नहीं हूं। काका। मैनेजर बन गया। तेरी शादी हो गई? नहीं तो क्यों? इसके अंदर किसी कार मेघा का नाम लिखा है। मैनेजर साहब को विदेश जाने का भूत सवार था इसलिए ये सब किया। बावला कहीं का, इधर आ। क्या हुआ? इसने फॉरेन जाने के लिए घपला किया। पागल कहीं का। अगर ये बात मास्टर जी को पता चल गई ना तो पता है क्या होगा? क्या होगा? वो रूरल एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तेरी चमड़ी उधेड़ेंगे और उसमें ठूस ठूस के भूसा भर देंगे, समझा? किरदारों से कनेक्ट कर पाते हैं। अब एक काम कर, इस पर व्हाइटनर लगा और उसके बाद ही मास्टर जी को। हां ठीक है ठीक है। अगर धोखेबाज का कैरेक्टर है तो हमें धोखेबाज बनना पड़ता है। जीजा आ गया। वो देखो आ गया। आइए आइए साहबजादे। नमस्ते, कैसे हैं जीजा? ओ, जी तो ये है तेरा लंदन। एलिजाबेथ कहाँ है? जीजा लंदन यहाँ से बहुत दूर है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ए, लंदन का नाम लेके तूने मुझे चूना लगाया, अपनी बहन को भी चूना लगाया। बहन का पैसा खाएगा तो नरक में जाएगा, कीड़े पड़ेंगे। ए, जीजा को अंदर ले जा, ठंडा पिला गरम हो गए। इन्होंने कहा ये अंदर नहीं जाएंगे। अंदर तो इनका बाप मेरा मतलब। जीजा जी आइए ना। आपको बुला रहा है, इतनी हिम्मत हो गई तेरी? जुबान फिसल गई थी, प्लीज चिल्लाइए मत, पड़ोसी सुनेंगे। तेरी जुबान नहीं फिसली, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मांगते वक्त गायब बना, अब भेड़िए की तरह नोच रहा है। कौवे की तरह काम काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ चिल्ला के इसकी इज्जत का फालूदा मत कीजिए। इज्जत भिखमंगों की कोई इज्जत नहीं होती। जिस इज्जत की बात कर रहा है ना तू, वो ईमानदारी से कमाई जाती है, अपनी बहन और जीजा को लूट के नहीं। अच्छा सिला दिया तूने। जीजा जी जिस गहने की इतनी अकड़ कर रहे हैं ना, वो आपको दहेज में मिले। हाँ अरे चुप करना। ए, क्या कहा तूने? बाप ने दहेज चढ़ाया और तू लूटने चला आया। भूल गया कि मैं तेरी बहन को 7 साल से पाल रहा हूँ? रोटी कपड़ा मकान क्या नहीं दिया मैंने उसे? अच्छा है, बहुत अच्छा सिला दिया तूने, अच्छा सिला दिया। जीजा जी माफी चाहूंगा, जबान है फिसल गई। मैं तुझे जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। क्या चल रहा है? हो जाइए ना, इनके सामने कुछ मत बोलना प्लीज। बताओ क्या प्रॉब्लम है? Who are you? मेरे मास्टर अच्छा है? मैं सर के साथ काम करता हूँ। सर ये मेरे जीजा जी, ये मेरी दीदी को 7 साल से पाल रहे थे, यही बताना। ये कुछ नहीं बताएगा सर, मैं बताता हूँ आपको इसने क्या किया। लंदन जाने के नाम पे इसने ठगी की और हमें लूट लिया। कैंची की तरह सामान चलाया। ठीक है, कितना देना है इन्हें? सर आप क्यों, मैं हूँ ना। अरे मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। नहीं है, सिर्फ 6 लाख हैं। ये जल्दी दे देगा, भरोसा कीजिए। हाँ लंदन से लौटते ही दे दूंगा। ए छी, लंदन जाऊंगा, तू यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तू तकलीफ मत कर, लंदन खुद आएगा चलकर। देखिए मैंने इसे काम दिया है और लंदन भी मैं ही ले जा रहा हूँ, ये जल्दी पैसे दे देगा। अगर इसने नहीं दिया तो मैं दे दूंगा। सर रहने दीजिए। नहीं, इट्स ओके, मैं मामला समझ सकता हूँ। इनको खाना वाना खिलाओ। नया पासपोर्ट बनाने का टाइम वाइफ का जगह पर किसी का भी नाम डालने को सकता है, लेकिन उसका नाम निकालने के वास्ते बहुत पापड़ बेलना पड़ता है मैन। च-
चलिए माना, अगर पासपोर्ट चोरी हो गया तो उसके बदले नया तो बन सकता है ना? हाँ बन तो सकता है, लेकिन डुप्लीकेट पासपोर्ट पर भी पुराना डिटेल्स ही होएगा, तो उसके बाद भी नाम निकालने का जरूरत तो पड़ेगा ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? ठीक है सर, इसको भी छोड़िए, हम एक नया पासपोर्ट बनवाएंगे नई डिटेल्स के साथ, जिसमें लड़की का नाम ही नहीं रहेगा, बैचलर दिखाएंगे, ये कैसा रहेगा? नया डिटेल्स भरने से कुछ नहीं होएगा, अपना फेस का क्या करेंगे मैन, चाहे तुम्हारा अंगूठा का निशान हो या तुम्हारा आँख का कलर, सब तो कंप्यूटर में पहले से स्कैन है ना। मैं आइडिया देता है, अपने मास्टर के पास जाके सच का उल्टी कर दो। नेसा भाई है? बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी रफ्तार पकड़ रही है और तू मेरी टांग खींच रहा है। मतलब तू मास्टर के डर से नाम निकलवाना चाहता है? इतनी हेर फेर करेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर सोच ले। ए नेसा भैंसा, क्या रे, जब ऊपर वाला तमीज सिखा रहा था तो क्या तू भीख मांगने चला गया था? सुर आ रहा है। एक पासपोर्ट ऑफिसर है, वो तेरा हेल्प कर सकता है। बैठो बैठो, बोलो काम क्या? सर, पासपोर्ट में से मेरी बीवी का नाम हटाना। कार मियागा, बड़ा अजीब नाम है जी। क्या तुमने उससे डिवोर्स ले लिया? डिवोर्स? सर मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई? नहीं सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी पड़ोसन का नाम पासपोर्ट में लिख दिया? आईपीसी 1967 इंडियन पासपोर्ट एक्ट के तहत जेल में तुम्हें चक्की पिसेंगा। सर ये मेरी पड़ोसन का नाम नहीं है, उसको तो मैंने आज तक नहीं देखा है, पर जैसे ही उसको देखूंगा सबसे पहले आपको आके बताऊंगा, पहले मेरा काम कीजिए। अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, अगर मैंने नाम निकाला तो ये लोग मुझे दूध के मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। देखो आ गया डायनासोर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डायनासोर। ये डायनासोर कौन है? नया पासपोर्ट ऑफिसर, बहुत कड़क, ये बोलता कम थूकता ज्यादा, आखू मुंह से गंदा बास आता। एक बार बात करूं क्या? तेरा दिमाग खराब है क्या? सर कोई चोर दरवाजा नहीं है क्या? गवर्नमेंट के प्रोसीजर के मुताबिक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक काम करो, बाहर जाओ, उधर तुमको पान वाला मिलेगा, उसको बोलना कि मैंने भेजा, वो ऐसे मैटर का पक्का खिलाड़ी। पांडी क्या कर रहा होगा? किसी गोरी चमड़ी वाली के साथ सन बात कर रहा होगा। बहुत किस्मत वाला है। ए, उसकी फिकर हो रही है। वो एक नंबर का घुमक्कड़ है, जायंट व्हील पर बैठ के उल्टी कर रहा होगा। हेलो, पता नहीं कौन है, मिस्ड कॉल दे रहा है। पप्पू, पान वाला? बिल्कुल सही कहा, पान वाला। नमस्ते सर। नमस्ते। पासपोर्ट से पापा का नाम हटाना है? अरे नहीं नहीं, पापा का नहीं, मुझे वाइफ का नाम हटाना है। वाइफ का, समझ गया, पहली से लड़ाई हो गई? एक्चुअली गलती से मिस्टेक हो गई, बिना शादी के मैंने वाइफ का नाम डाल दिया। उन्होंने आपको बताया होगा ना? हाँ मुझे बताया था, पर क्या बताऊँ कि वो बहुत ही झंझट वाला केस है। हाँ और नहीं तो क्या, तुमने कहा कि तुम बैचलर हो, तुम्हारी कोई वाइफ नहीं है, मतलब ख्याल ही पिलाओ। अब इस पिलाओ से पीछा छुड़ाने के लिए बड़ा लॉयर करना पड़ेगा। लॉयर? क्यों सर? उसके बाद ही तुम्हें तलाक मिलेगा। ए, मैं उस वकील से मिल के आता है, ठीक है? ओ, इसको बोलो 7,000 रुपए देने के लिए। जस्ट 7? इसके पास तो पीने के पैसे नहीं है, मतलब पानी, ये 7,000 कहाँ से देगा? इसके पास नहीं है तो तू अपना जेब से दे दे। महंगाई कितना बढ़ गया, सूख के काटा हो गई, लास्ट क्या देगा बोल? 1,500 तक दे पाएगा ये? 1,500 पड़ेगा? नहीं नहीं, इसके पास बहुत पैसे है, ये अंबानी का ड्राइवर है। अंबानी का ड्राइवर है? अंबानी तो नहीं है ना? इतना बड़ा जगह नौकरी करता है, 7,000 रुपए नहीं दे सकता क्या? सर रहम करो, मुझे टीबी हुई है तो पूरा पैसा। तंबाकू बीड़ी पिएगा तो ये चोएगा। 200 रुपए बढ़ा सकता हूँ? हाँ 200 और बढ़ा देते। बोलो मैडम, इतने में मंडोली होगा? अरे मैडम ये मेरी फीस तक नहीं दे पा रहा, 7,000 कहाँ से ढीला करेगा बताइए। अरे बाबा कोई तो मान जाओ, तू जाकर दूसरे कोर्ट में देख ले। 1,500 में क्या होने वाला है? मैडम एक्टर बलवान खान का डिवोर्स यही हो रहा है? एक्टर बलवान खान का डिवोर्स हो रहा है? हाँ किधर? अरे मैं बता नहीं रही, पूछ रही हूँ, इधर तो नहीं है। एक्टर बलवान खान का डिवोर्स हो रहा है? हाय वीजा ऑफिस इंटरव्यू याद है ना? यहाँ कुछ सवाल पूछ लूँ क्या? हेलो, हाँ तुम जाओ मैं आती हूँ। सर सुनिए ना, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। अच्छा चलो 2 मिनट सुनिए। अरे क्या दिमाग खराब करके रखा है, समझा समझा के गला सूख गया है, न ये मान रहा ना वो मान रही है। अभी तुम लोग खुद ही फैसला करो, मैं जा रहा है, काहे के लिए जज बना मालूम नहीं। अरे सर किधर? इधर, ये पप्पू है और ये निशा है। सर का नाम महामुनि है, प्यार से मुन्ना बोलते हैं। सॉरी थोड़ा टाइम लग गया, चलते चलते बात करें। तो क्या चाहते हो तुम? व्हाट शुड आई डू फॉर यू? तलाक चाहिए मुझे सर। मिल जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा
वैसे साथ नहीं रह पा रहे हो या मारपीट हो गई है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप कुछ भी करके तलाक दिलवा दीजिए। कुछ भी करके दिला दूं? हाँ जी हाँ जी। ओके, तुम्हारी बीवी का कहीं अफेयर चल रहा है? अफेयर के लिए बीवी होनी चाहिए ना। तो टपक गई क्या? नहीं नहीं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। शादी भी नहीं हुई है? हाँ, तब तो हमें बैठ कर ही बात करनी पड़ेगी। अब दिखा दो कितने उम्दा लॉयर हो। आदमी और औरत का आपस में डिवोर्स कराना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जहां औरत ही ना हो। इस तरह का केस मेरी जिंदगी में पहली बार आया जिसमें डिवोर्स के लिए एक ऐसी औरत है जो दिमाग में रहती है। मतलब औरत तो है नहीं तो तुम डिवोर्स किससे लोगे? उलझन भरी पहेली है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, डिवोर्स हो जाएगा। लड़की पेड़ पर उगाओगी? सर, पहले पेपर पे इसकी शादी करवा देते हैं, फिर उससे झगड़ा करवा देंगे। हाँ, फिर? उसके बाद दहेज का केस, लड़की का एफिडेविट, तो हो गया ना तलाक। अगर एफिडेविट बनवाने जाएंगे तो उसमें आईडी प्रूफ का ओरिजिनल भी लगेगा, और फिर पहली तारीख को दोनों का हाजिर भी होना पड़ेगा। जरूरी नहीं है ना सर, जज से कह देंगे ना मियां बीवी दोनों राजी हैं। जज को थोड़ा खिला देंगे ना सर, और थोड़ा सा हम दोनों के लिए भी तो रखना पड़ेगा। हाँ, हो जाएगा। ओके, तुमने मुझे ऐसा केस दिया है जिसका ना कोई सर है और ना ही पैर है, फिर भी मैं ये केस लड़ूंगा। शुक्रिया। इसके लिए एक ही रास्ता है, इस्लाम की एक लड़की को लेकर आओ और उससे आईडी प्रूफ मांग लो। अरे बाप रे, इस्लाम की लड़की मिलेगी कहाँ? पेड़ पर उगाओ, मुझे क्या मतलब है। अब जाओ, पहले इस्लाम की लड़की खोजो, तभी होगा। अच्छा, एडिटर को बोल दो कोई बकरा नहीं मिल रहा, मैं और मसाला तैयार करती हूँ, ठीक है? जूनियर आर्टिस्ट होगी ना सर, मिल जाएगी। ना ही तुम्हें कार मिलेगी और ना ही मेगा मिलेगी, पर कुजली जरूर मिलेगी। सुनिए, चटनी दीजिए, डाली सेंटर में डाली। ए, तेरे को पक्का मिल जाएगी ना? कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे, चुपचाप खाओ ना। ए, कायदे से अपना खाना खा रहा है? भाई साहब, मैं आपके घर में आके झांक रहा हूँ क्या? तो आप क्यों झांक रहे हैं, चुपचाप खाइए ना। कमला पूजा सुषमा। ए, ये औरत कैसी रहेगी? अरे यार, ये फ्रेंड की अम्मा है, ना कुछ सुनाई देता ना दिखाई देता। जानता है इसकी बेटी का नाम भी मेगा ही है। बस एक प्रॉब्लम, मेगा से कार मिसिंग। क्या जरूरत था मेगा के साथ कार जोड़ने का? आज तेरा केस सॉल्व होता था। अगर तेरा उसके साथ शादी होता तो उसके साथ कार आता, असली वाला। मेगा को कार में बिठा के घुमाता। चला दो, और बोलने के पहले सोच लिया कर, हाथ धो। हाथ धोने बोला, नहाने नहीं। हम लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी हुई है, हम इसका विरोध करेंगे। सरकार को हमारी आवाज सुननी ही होगी। नौकरी की चाह में टूरिस्ट वीजा पर जाने वाले, अरे ये तो वही है, चिप्पू। जब देखो इंटरव्यू, पहली बार पासपोर्ट ऑफिस, बाद में कोर्ट में दिमाग खराब कर रही थी। आजकल फेक न्यूज बहुत चलता है। चमेली न्यूज के लिए कैमरामैन सुकुमार प्रजापति के साथ मैं कार मेघा कुडली। कार मेघा? क्या बोला? सुना? हाँ यार। भाभी जी, डाइवोर्स वाली। हम औरतों को बचाएंगे अपनी आखिरी सांस तक, इसीलिए तो पॉलिटिक्स में आया हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन औरतों को घूंघट में रहना चाहिए। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी में औरतों की सुरक्षा है। आप तो जानते ही हैं कि आजकल छेड़खानी की घटनाएं कितनी बढ़ गई, पर मीडिया मेरी बातों को मसाला लगाकर पेश करती है। सर, हमारा काम किसी भी बात को मसाला लगाकर तलना नहीं है, ना ही झूठ फैलाना। दिन भर झूठ तो आप ही लोग बोलते हैं। अरे भाई, कोई स्टूल लेकर आओ, बेचारा नीचे बैठकर फोटो ले रहा है। रहने दीजिए सर, सर यहाँ पर कार मेघा। अरे सर, कार नहीं, वो कार मेघा रिपोर्टर। सर देखिए, कार मेघा फर्स्ट रो में बैठी हुई है। सर, आप अभी वो बैठ के जो सोच रहा है उसके पीछे भाभी है, वो देख सामने। सो यू मीन टू से इट्स ऑल रॉन्ग? तो औरतों को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक नहीं है? नाउ यू विल डिसाइड। सॉरी सर, डोंट टेक एनी ऑफेंस, बट हेलो मैडम, आप हिंदी चैनल से है ना? हाँ सर। तो हिंदी में पूछिए ना। अय्यर जी जय हो, अय्यर जी की जय हो। ठीक है सर, शुद्ध हिंदी में पूछती हूँ। यदि आप अनुचित ना समझे तो अपनी ज्येष्ठ पुत्री को उचित परिधान पहनने का आदेश क्या आपने नहीं दिया? तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगाती हो? मैंने अपनी बेटी को भारतीय संस्कृति की पूरी शिक्षा दी है। ओ, ऐसी बात है क्या? एक क्षण रुकिए। सामाजिक संचार पृष्ठ पर ये चित्र देखा। ये मेरी बेटी की तस्वीर नहीं है, फोटोशॉप। फोटोशॉप नहीं है सर। ए, चौकरी, ये असली तस्वीर है। भैया जी को बदनाम करिए, चल निकल यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ?
ए रुक जरा एक मिनट, दिखा फोन, दिखा, बोला ना जल्दी फोन दिखा। हाथ तो लगा के दिखा, हाथ तोड़ दूंगी। क्या तोड़ गया? अरे जाओ ना, रुको। आखिर क्या किया है मैंने? जहाँ भी जाती है वहाँ आफत खड़ी कर देती है। तो क्या मुंह बंद करके झूठ सुनती रहूं? जहाँ भी जाती हो मुसीबत खड़ी करती हो। जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। मैं नहीं जाने वाली, मैं यही रहूंगी। एक झाप दूंगी, मुंह संभाल के बात कर, समझा? ए तू मारेगी, चल मार मुझे, मार। क्या हुआ? मुंह से गंदी बदबू आ रही है, जा पहले जाके ब्रश कर। भाभी पे मुश्किल आन पड़ी है, उसका मुसीबत खत्म हो जाएगा, हमारा मुसीबत आने वाला है। आज की नारी सब पर बारी, बोल गया तू? भाभी से बाहर मिलेंगे। ए चलना। ठीक है, जा रही हूँ। वो दिखा रही, हरी हरी। बाप रे, निकल लेता हूँ। ए डरपोक, मैं नहीं जाऊंगा। अगर नहीं गया ना तो मैं जूते से मारूंगा। वो चलेगा मेरे को? कैसा कमीना दोस्त है? कमीना? तुझे तेरी माँ की कसम, मेरे तेरे बाप की कसम, पूरे खानदान की कसम, नहीं गया ना तो मैं तेरा खून कर दूंगा। अरे जाना प्लीज। एक्सक्यूज मी बाबू जी, मैडम जी, तुम यहाँ कैसे? फेस टू फेस बात करना। हाँ बताओ ना। आपको इंटरव्यू चाहिए था ना? हाँ। हम देने को तैयार, कब लेना है आपको? अब क्या फायदा, मैंने एक गधे का इंटरव्यू लेके चिपका दिया। मैडम मैडम, हमारे पास एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है, इसको चला डाला तो चैनल झिंगा लाला। रियली? हाँ हाँ। क्या मैटर है? न्यूज का सोर्स इधर ही है। ए ब्रो कम। हाँ हाँ हाँ। ये मेरा बचपन का दोस्त, जवानी में खेलते खेलते हम लोग श्रीलंका से इधर आ गए। वो ये है मैडम, ये बोलने में कठिनाई। How are you? इसका भाषा मेरे पास। I'm fine, thank you. How are you? I'm good. इधर इसको ठंड लगता, कहीं और चल के बात करें क्या? हाँ, tell me, बात क्या है? बात आपको पता है रावण श्रीलंका में था, पता है ना? हाँ पता है। उसी श्रीलंका में इसका फैमिली रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग मच्छी पकड़ता। अच्छा, श्रीलंका में ये नाम कौन रखता है? है ना, पूरा गांव है, वो लोग भी सुबह सुबह मच्छी पकड़ता है। वहाँ एक कोजो के 50 पप्पू बनाने वाले मिलेंगे। ओके। एक दिन तो? इसकी माँ को सपना आया कि इसके साथ इसकी प्यारी अम्मा लंदन में पिज्जा खा रही है। तो इसकी माँ ने पिज्जा खाने की टान ली। इसकी माँ को तो वीजा मिल गया, लेकिन इसका वीजा ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया, इसके पासपोर्ट में प्रॉब्लम। तब इसने कहा, प्यारी माँ तुम चली जाओ, जाओ और चैन से पिज्जा खाओ, मैं आता है। अब बात यह है कि माँ तो चली गई, ये भी लंदन जाके माँ के साथ पिज्जा खाना चाहता है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इसके पासपोर्ट में बस छोटा सा प्रॉब्लम, गलती से एक मिस्टेक हुआ, डिटेल का एंट्री करते वक्त बीवी का नाम डाल दिया। तो इसमें मैं क्या करूँ? बात ये है, अगर उसी नाम के इंसान का डॉक्यूमेंट मिल जाए तो डॉक्यूमेंट के जरिए डिवोर्स मिल जाएगा, फिर पासपोर्ट से बीवी का नाम निकाल कर ये पिज्जा खाने चला जाएगा। अच्छा, तुम लोग किसी लड़की को कहोगे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो और वो दे देगी? सब इतना हलवा है क्या? ओरिजिनल नहीं चाहिए, हमको डुप्लीकेट भी चलेगा, जेरोक्स, फिर इसका सारा तकलीफ दूर हो जाएगा। ऐसे लड़की तो एकदम बिंदास होगी, है ना? सोसाइटी को अपने ठेंगे पे रखती होगी। और साथ ही वो लड़की बहुत हेल्पिंग नेचर की होगी, है ना? आजकल ऐसी लड़कियां नहीं बनती। सर, ऐसी आवाज तो कुत्ते करते हैं ना, इंसान नहीं करते। अपनी आवाज थोड़ी कम कीजिए आप प्लीज। इसको जाने दे, तेरी खाल उधेड़ता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? पप्पू, पासपोर्ट, पासपोर्ट। थैंक्स बोलो मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने थप्पड़ नहीं मारा तुम्हें। इडियट्स, कहां कहां से आ जाते हैं। बाल बाल बचे, वरना तो वो लड़की हमारा काल उतार कर रख देती। चुप रहे सर, वो ज्वालामुखी बन गई। एक बात का ध्यान रखना, कहीं वो इसकी न्यूज ना बना दे। वो बहुत अच्छी लड़की। अच्छे तो सभी होते हैं, बाद में जेब काटते हैं। हां तो पैसा बैंक में। छोटा छे, पहले नोट दिखाओ फिर बताता हूँ। तो तारी पास है क्या? बाबा ला तो सुट्टा था सांडा का दादा। तो तू दे दे। छुट्टा नहीं है सर, आगे जाइए।
सर वो नाके पे भिखारी है ना वो दे देगा सर। पुलिस वाले को छुट्टा नहीं मिल रहा है, ये असली पुलिस वाला है या नकली पुलिस वाला है? अच्छा बता, पुलिस वाले को देखकर तेरी हवा क्यों टाइट हो गई थी? वो इसलिए क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ का नहीं बाहर गाँव का। और उस रिपोर्टर के सामने तू गूंगा क्यों बन गया था? सर मैं तो मुंह खोल ही रहा था पर इसने उसको बोल दिया कि मैं गूंगा हूँ। अब अगर मैं मुंह खोलता तो वो इसे पीट देती। ओहो, ये तेरा आइडिया था ना? काश जज के सामने हम भी ऐसा कर पाते। सर ये रास्ता फेल हो गया, कोई और? उस लड़की के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से झगड़ कर बाहर आई थी तब उससे क्यों पूछा? किसी और समय पूछना चाहिए था ना। एक काम करो ना, जैसे ही अकेली दिखेगी ना उसके पैर पकड़ लो। इज्जत विज्जत का मत सोचो, काम होना तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। हे हाय, कैसी हो? आई एम गुड। बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है मुझसे मिलने। क्या है? तुम दोनों यहाँ पे भी आ गए? चलो निकलो यहाँ से। क्या बक रही है? आप सुंदर? हाँ मैं जानती हूँ, चलो निकलो। मारेगी, चल निकलो। हाय, आओ यो। पागल है क्या? इतनी देर से धूप में खड़े हैं, सुबह से कुछ खाने तक को नहीं मिला। बहुत दूर से आए हैं, पिपरी गांव से। पपैया बहुत मिलता है। जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा ये यही खड़े रहेंगे। आए, आए। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? दफा हो जाओ। ए चला। हाँ माँ बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। हाँ सब ले लिया। आए, आओ यो। अबे। कहाँ गई? आवे यो। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आवे उगे। आए। अरे वो बोतल कब चुराया? अगर मेगा को पता चल जाता तो? वैसे आज बहुत खुश लग रही थी। मैं आया। सॉरी। क्या कौन थी वो? मेरा बीवी और बच्चा बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। पता नहीं वो लोग कैसा होगा, किस हाल में होगा। मुझे लगा वही होगा। वो लोग मिल जाएंगे। पप्पू। सर जी बोलिए ना। हमारे पासपोर्ट का क्या हुआ? सर पासपोर्ट खो गया है। पासपोर्ट खो गया? अब तुम लंदन कैसे जाओगे पप्पू? अप्लाई किया है सर, आ जाएगा जल्दी। पक्का ना? हाँ सर। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें याद है ना? जानता हूँ सर। ये आपको पूछता आप कैसी हो? इसने आपको दो बार कॉल किया था, आपने इसकी बात का जवाब नहीं दिया तो? ये क्या माँ? कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा और तुम कॉफी पिलाओगी? कॉफी नहीं दी है, पानी दिया है। तुमने पूछा वो लोग कौन है, किस लिए आए हैं? वो कोई खबर देने आए हैं, सुबह से तेरा फोन ट्राई कर रहे हैं। तेरा फोन लगता है क्या? बेचारे इतनी दूर से गाड़ी भाड़ा खर्च करके आए हैं। वो देख तेरी कितनी अच्छी पेंटिंग बना के लाए हैं, उन्हें ऐसे भगा दूं, कॉफी भी नहीं पिलाऊं? उस लंबे लड़के को देख, दिखने में कितना स्मार्ट है। अपने लिए ऐसा ही लड़का ढूंढना। हर जगह आपको दामाद ही क्यों दिखता है? क्या
क्या चाहिए तुम दोनों को? आपको तो पता ही है मैडम हमें क्या चाहिए। कितना भी मक्खन लगा लो मैं पिघलने वाली नहीं। सुनो, अरे कार सेवा, यही नाम है ना इसका? ए भाई, उसका नाम कार मेगा। अरे यार, मार्केट में इतनी कारें आ गई याद ही नहीं रहता। बादाम खाना। तुम भिखारी फिर से भीख मांगने आ गए? अबे भिखारी कहती है, भिखारी बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे हमारे हाथ में कटोरा दिखा क्या? दूसरी बार मत बोलना, इंटरेस्ट नहीं मिला तो चलेगा लेकिन पैसे पूरे आना चाहिए। लड़की ध्यान से सुनो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ अपने इंटरेस्ट से प्यार है। ए, तेरे को ब्याज क्यों नहीं मांगता? लेना इससे। इंटरेस्ट चाहिए? शक्ल देखिए अपनी, चप्पल खाएगा मेरी? कल मुहे यहाँ पैसे मांगने आए हैं, रोज रोज की किटकिट, जिंदगी नरक बन गई है। पर मेघा है ना, इन लोगों से नहीं डरती, बल्कि ऐसों को तो मुट्ठी में रखती है। ये तो मैं अच्छे से जानता है। अच्छा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इनका मदद करने के लिए। तुम मदद करोगे? हाँ। मेघा की? हाँ। चींटी कभी हाथी की मदद नहीं कर सकती। हाँ। समझे तुम? अभी देखना उन्हें लात मार के भगाएगी। दफा हो जाओ, वो तुम्हारे पैसे दे देगी। तुमने पैसा दिलाया, अब तुमसे ही लेंगे। उसने पैसे लिए हैं तो मैं क्यों दूँ? वो देगी। एक मिनट, गलत जवाब। क्या रे, लड़की को अकेला देख के तुम तीनों मर्द बनता है? ज्यादा अकड़ मत, लगता है तुम लोग बलवंतराय के आदमी हो। उसका नाम मत लेना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। बोल मैडम, कितना पैसा लिया? हेलो, मैं उनसे बात कर रही हूँ। कितना पैसा? भाई, 13,000 रुपया। 13,000 रुपये उतना ही करना चाहता है मैडम। बीच में बोले की कोई जरूरत नहीं है। 13,000 रुपये निकाल। 13,000 ना? हाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये ले। 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 15। ये तो 15,000 है। तुम तीनों मैडम को दो बार सॉरी बोलने का, कितनी बार बोलने का? एक तो पैसा भी दिया और सॉरी भी बोले। नया साल आने वाला है, मैडम को सॉरी बोलो। तू चुप रहे, सॉरी मैडम। अब कट लो, अब चल, मेरा हिस्सा दे। तो तुझे पहले कह रहा था, अगली बार देखा तो बॉडी बॉडी कर देगा। कर रहा था तू, असली हीरे को एक जौहरी परख सकता है। सही बोला। तुम्हारी अकल घुटने में है बेटा, मां चुप करो। तुमने जो पैसे दिए वो मुझे नहीं चुकाने थे। मेरी दोस्त ने पैसे लिए थे, मैंने गारंटी ली थी। अब भूल जाओ अपने पैसों को। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मौका दिया तुमने, तुम्हें तो दानवीर बनने की बड़ी जल्दी पड़ी थी ना। वो पैसा मेरा नहीं था, इसका था। बेटा, मदद करने वालों से क्या ऐसे बात करते हैं? विविध भाती बंद कीजिए माँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। दफा हो जाओ। ए दानवीर, आइए बैठिए। अरे समाज सुधारक, आइए बैठिए। ए माफ कर देना। हाँ हाँ, माफ कर दिया। अच्छा ये बता, लड़की देखते ही हीरोगिरी का कीड़ा काटने लगता है, तू क्या बोला था एक बार वापस बोल? पैसा लो, दफा हो। वाह क्या बात है, वो पैसे तेरे बाप ने दिए थे? मैं उनसे पाई पाई वसूल करेगा। अरे टॉपिक क्यों चेंज कर रहा है, जिस पे उस पे ही रहना है ना। ये जो 15,000 खैरात में दिए ना, उसमें मेरे पूरे 2 महीने का गुजारा होता। रस्सी पासी। लाइट्स ऑन। ठीक है। सुनो पप्पू। Okay. हाँ सर। पासपोर्ट का क्या हुआ? वेरिफिकेशन बाकी है सर। पासपोर्ट ऑफिस में जान पहचान है मेरे, कहो तो बात करूं? जरूरत नहीं है सर, वो लोग अपने आप आ जाएंगे। समझ गया, शॉर्टकट नहीं लेना चाहते, अच्छी बात है। गुड। अरे सुनो ब्रजेश। मास्टर मैं राजेश हूँ। जो भी हो मेरे कैबिन में आओ। अभी से सटिया गया है, मेरा नाम भूल गया, तू अभी अभी आया, तेरा नाम याद है। आसमत। ए लाइट्स ऑफ। हेलो कौन है? हेलो निशा है क्या? निशा नहीं, वो यहाँ नहीं है। आप कौन? मैं कार मेघा कुडली बोल रही हूँ। क्या? कार मेघा कुडली। पप्पू है क्या? हाँ यहीं पर है, लेकिन वो तो गूंगा है, कैसे बात करेगा? मैं ये जानती हूँ, तुम फोन दो उसे। पप्पू, तुम्हारा फोन है,
कोई तुमसे बात करना चाहती है। आयो वो आयो। आ रहा है। भाई चल क्या रहा है? हेलो पप्पू, मैं कार मेघा बोल रही हूँ। पप्पू नहीं 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 कोई बात नहीं, बात कर लो बात कर लो। हेलो पप्पू। आयो। कार मेघा बोल रही हूँ, सुनाई दे रहा है? हाँ। तुम्हें मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे ना, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। कल कब मिल सकते हो? मॉर्निंग में मिलना है या इवनिंग में मिलना है बताओ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। मॉर्निंग में मिलने के लिए एक बार हाँ बोलना और इवनिंग में मिलने के लिए दो बार हाँ बोलना। मॉर्निंग ना? ठीक है, मॉर्निंग में मिलते हैं। अब बाय। जी शुक्रिया। आप कुछ कह रहे थे सर? मैंने वीजा के लिए फॉर्म्स मंगवा लिए हैं, पासपोर्ट बाद में आता रहेगा, तुम अपने डिटेल्स काका को दे दो। हाँ ठीक है सर। अबे कमीने, ए शौक लगा गया। अबे कमीने, तू उस लड़की को उल्लू बना रहा है, वो भी गूंगा बनके। ए नेसा ने सब चौपट कर दिया, गलती उसी की है। अरे कब तक नाराज रहेगा, गुस्सा थोक देना। फटे पोस्टर के हीरो, मेरे पैसे को कर दिया जीरो। तुझे पता है मैंने पैसे कहाँ कहाँ से उधार लिए थे? ए लेकिन पैसे जाने के बाद मदद तो कर रही है ना। ए तू अपने मन में ऐसी कोई गलत फहमी मत पाल, वो हमारी मदद नहीं कर रही है तो फिर रहम खा रही है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि मैं घूमूंगा। अब आ रहे हो तुम लोग? हैं डिवोर्स वाली लड़की कब की आ गई है और तुम लोग नाराज हो? चलो माफी मांगो। यहाँ से जाने के बाद मुझे खाली कुर्सी देखी नहीं कि चिपक गई। कौन छोड़ेगा सर? चाय लोगे या कॉफी? आओ सर। हाँ तुम गूंगे हो? हाँ एक्सक्यूज मी, इसे गूंगा मत कहिए, कहना है तो दिव्यांग कहिए। अच्छा कहा अच्छा कहा, अब से इसे दिव्यांग कहेंगे। साफ साफ कहिए मुझे करना क्या है। अपना बर्थ सर्टिफिकेट, नहीं तो 10th के सर्टिफिकेट की जेरोक्स दे दो बस। फिर कोर्ट से आपसी सहमति के बाद डिवोर्स हो जाएगा और ये विदेश चला जाएगा। हाँ, पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं होगी नहीं होगी। अगर कुछ हुआ भी तो तुम्हारे आईडी प्रूफ और मार्कशीट के जेरोक्स को ना हम उस फाइल से गायब कर देंगे। सरकारी काम में तो ये सब होता रहता है। अरे तुम डरती क्यों? अगर लगता है कि कोई कंप्लेन करने वाला है तो सबसे पहले हम लोग ही FIR लिखवा देंगे ना, यहाँ सब जुगाड़ होता है। मैं तैयार हूँ। हेलो, अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम सबको देख लूंगी, याद रखना। गड़बड़ नहीं होगी मैडम, हम शरीफ लोग। ये वोटर आईडी है, इसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना। क्या आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो मिलेगा? पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए? किस लिए? वो फॉर्म के ऊपर चिपकाना है। पर ऐसा तो उसने कहा ही नहीं था। वकील है ना, बोल गया होगा। आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही काम हो जाएगा हम डॉक्यूमेंट से आपका सुंदर फोटो निकाल के आपको दे देंगे मैडम। ठीक है देखती हूँ। बैठ जाओ प्लीज। अम्मा क्या है? कोई पासपोर्ट साइज फोटो है क्या मेरी? कहाँ से होगी, उस दिन जब मैं और कॉपीज निकलवा रही थी तूने मना कर दिया और आज मुझसे तू फोटोज मांग रही है। है तो दो ना माँ। वैसे तुझे फोटोज क्यों चाहिए, नई नौकरी ढूंढ रही है? वैसा ही कुछ। मुझे पहले से शक था, एक जगह टिक के काम भी करती है तू। पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। अम्मा कॉफी बना दोगी प्लीज? कॉफी तो मैंने बना दी है, तू ही मना करती है इसलिए नहीं दी। उनको दे दूं क्या? हाँ दे दो। बैठो बैठो, माँ ला रही है। बेटा तुम्हारी ये गंदी जींस धो दूं? एक महीने से पहन रही है। एक महीने से? हाँ माँ धो दो। ये माँ भी ना कभी कभी। थैंक यू आंटी। बेटा तुम बचपन से गूंगे हो या अभी डिफेक्टिव माल हो गए? अम्मा तुम चुप नहीं रह सकती क्या? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। क्या है आए पोसी है हमारा तो एक कुत्ता बचपन में इसके पीछे पड़ गया था, बचाओ बचाओ चिल्लाते चिल्लाते इसका आवाज गुम हो गया। पांच कुत्ता इसके पीछे पड़ा था। क्या 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 अच्छा 10 कुत्ते थे। आयो थैंक यू।
अगर किसी लंदन वाली से शादी करोगे तो फोटो जरूर भेजना, मैं तुम्हारी वाइफ को देखना चाहूंगी। कार्मेगा कुजली नाम का पटापट एक सिग्नेचर कर दो। ये बताए लड़की कौन है? ए चचा यहाँ देखो, ये वो लड़की है जिससे बिना शादी किए मैंने तलाक लिया। मैं साइन नहीं करूंगा। ए इससे पैसे लिए ना, चुपचाप साइन कर। किसी लड़की की जिंदगी में बर्बाद नहीं होने दूंगा, ये बहुत बड़ा पाप है। अरे बड़ो वो खुद ही राजी थी देख, और तू एक साइन नहीं कर सकता? साइन करनी तो साइन ही करना है ना, बता कहाँ पे साइन करना है? हाँ इधर करना है। बचपन में नकल मारने में सेकंड नंबर पे था, अब तो नंबर वन ही आऊंगा। देखिए मैंने आपको जो समझाया बिल्कुल वैसा ही कहिएगा। क्या हुआ, डिवोर्स लेना है? फर्स्ट टाइम आए हो? घबराओ मत, सब अच्छा होगा। शुरू में खराब लगता है, फिर बाद में आदत पड़ जाती है। मैं चौथी बार आया हूँ, कोर्ट का मैं रेगुलर कस्टमर हूँ। अच्छा ये बताओ, नई लड़की देखी? क्या है कि नाव छोड़ने से पहले दूसरे पर पैर रख देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि कोई और ही बैठ जाएगा। वो रही मेरी नाव ब्राउन साड़ी में, हो जाएगा। उसी से तलाक लेने आया हूँ। शादी के बाद शुरू में सभी प्यार से इलू इलू करते हैं, फिर बाद में अब बैठ जाइए। क्या हुआ, डिवोर्स लेना है? ए भाऊ भीड़ देख के चक्कर आ गया क्या? नहीं रे है? पता नहीं अपने देश में क्या हो रहा है, अब शादी कम तलाक ज्यादा हो रहे हैं। हर बात में प्रॉब्लम, यही तो सबसे आजाद लोग हैं। जैसे चेंज हो गया क्या? हाँ सर मैं सही कह रहा हूँ। क्या मनुष्य खबर दे रहा है? उसकी बुढ़ी सास मर गई। उसकी जगह कौन आया? वो खूसट शांता कुमारी। तुमने तो कहा था कि सब कुछ सेट हो गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरे हम सब फंस जाएंगे ना। सर किसी की मौत हो गई, अभी अपना बोरिया बिस्तर उठाओ निकलो। अरे फाइल तो पहले बताना था ना तुम्हें। बताइए ना क्या प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ना हमारा नंबर क्या है? लाएंगे ना सर। 2829-2016 पप्पू कार्मेगा। अरे ये अपने नंबर। चलो आजा आजा, चलो आ रहे हैं, जरा किनारे हटो। कहाँ मर गया था? सॉरी मैम, बहुत नौटंकी बात हो गया है तू। फंस गया था पप्पू ये रहा आपके सामने। कार्मेगा कहाँ है? अब उसको कहाँ से लाऊं? क्या हुआ मेरी तरफ देख। जी मैडम। जलेबी की तरह क्यों घूम रहा है? वो नहीं आई मैडम। लेकर आना है, पता था ना? हाँ बिल्कुल पता था मैम। डिवोर्स केस है ना? ये आपसी समझौता है मैम। आपसी समझौता है ना? तो तुझे पता नहीं कि दोनों को साथ में आना जरूरी है? तो क्लाइंट को बोला नहीं था तूने? गलती हो गई। 4 साल से यही नाटक चल रहा है तेरा। अरे वो क्या बताऊं? दफा हो यहाँ से मैडम। अगली 15 को मुंह उठा के आ जाना और लड़की को लेकर आना। ओके मैम, ओके मैम, चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो गार्डन से। चलो ना आप जल्दी। ए पप्पू अगले को बोल। ओके 1929-2016 पेरुमल भारती हाजिर हो। मैंने पहले ही कहा था, तुमने सारे किए कराए पर गोबर फेर दिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो तो है। एक सीनियर वकील को सबके सामने डांट दिया उसने। अच्छा लग रहा है? उसको भी रिश्वत देते ना। अरे बावला हो गया क्या तू? वो राक्षस है, राक्षस और ईमानदार चाय खा जाएगी। शांत हो जाइए, इतना टेंशन क्यों ले रहे सर? सब हो जाएगा, उसको नहीं तो किसी दूसरी लड़की को लेकर आओ ना, क्या फर्क पड़ता है? दूसरी लड़की लाओगी? अरे ऐसा किया और जज को मालूम पड़ गया तो? नहीं मालूम पड़ेगा, गवर्नमेंट का जो वोटर आईडी होता है ना उस पर सारी लड़कियां चुड़ैल लगती है। ये देखो लग रही है ना भूतनी नंबर वन। तो क्या हुआ? एक नंबर आईडिया मैडम। सर इनका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज है। बंद कर, नजर मत लगा इसे, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। अच्छा ये बता शादी के फोटो का क्या करेगी? शादी का फोटो सर क्या फर्क पड़ता है, वो शादी के पहले ऐश और शादी के बाद भैंस लगने लगती है। जरा समान सवाल की बात करा। अरे मैं तुम्हें थोड़ी ना बोल रहा हूँ। औरतों के बारे में तुझे क्या पता? बच्चा होने के बाद ना शरीर जानवर की तरह हो जाता है। प्लेनेट पे देखा है। इतनी चर्बी हो जाती है ना कि कसरत कभी भी नहीं जाती। मैडम अरे मैं भी पहले ऐश थी। धीरे धीरे, यहाँ शादी नहीं हुई है और तुम बच्चा पैदा करने की बात कर रही हो। रिवर्स कर, देखो इस फोटो में जैसी चुड़ैल दिख रही है ना बिल्कुल वैसे ढूंढ के ला। अरे जो भी सब्जी बनाना है बना दो, कुछ कह रही हो? हाँ ठीक है खा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो बनाओगी खा लूंगा। हाँ हाँ ठीक है मैं फोन करता हूँ। हाँ हाँ रायता भी फैला देना। हाँ बोलो। ये मेरा दोस्त पप्पू। हेलो सर। सर ऐसी चाहिए? हाँ मिल जाएगी। हाँ
ए, रेशमा भाई साहब, भाई साहब, कार मेघा नाम की कोई लड़की मिलेगी क्या? तू लड़की ढूंढने आया है कि गाड़ी ढूंढने आया है? इधर जो होगा वही मिलेगा। ए, अरे भेजो ना उसको जल्दी। क्या हाल है भाई, तू तो ईद का चांद हो गया। अरे वो दो तीन फिल्मों का एक साथ कॉल आया था, सबके लिए टाइम नहीं था तो इसलिए फिल्में छोड़ी दी, अब फुल टाइम थिएटर करता हूँ। हेलो सर। ऐसी ओरिजिनल चाहिए, तू कहाँ डुप्लीकेट दिखा रहा है? मुंह पे पाउडर मारो, एक बार इनका टचअप रिचअप हो गया ना तो इनके आगे ये डुप्लीकेट दिखेगी। सर वैसे इस मूवी का नाम क्या है? बागबूत आंधी आई। इतने भी क्या जल्दी है कि थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सके? अरे लड़की चाहिए मुझे। मैं लड़कियों का दलाल नहीं हूँ, मकान का दलाल हूँ। ब्रो अगर नहीं दिया तो मैं लंदन तक कैसे जाऊंगा? अच्छा ये बात है, मैं दो कमाल की लड़कियों को जानता हूँ, एक 22 साल की है दूसरी 42 साल की, दोनों जबरदस्त नौटंकी बाज है। कार मेघा नाम की लड़की नहीं मिल सकती क्या? ब्रो इससे काम चला सकते हो तो चला लो, वरना भाड़ में जाओ ब्रो। अरे पर प्रॉब्लम क्या है, वो दलाल ने जो लड़की दिखाई थी उसी लड़की को कार मेगा बना के कोर्ट में ले जाए तो? चुप कर। अच्छा छटका दिया, पैसे देके तो कोई भी लड़की मिल सकती है। क्या बकवास कर रहा है, यही काम बचा था तेरे लिए, कर ले। एक आइडिया है, आरती को ही कार मेगा बना देते हैं, कोर्ट में किसी को पता नहीं चलेगा। यार तू उससे शादी करने वाला है ना? ए, मैं सिर्फ एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। अबे गधे, तेरी गर्लफ्रेंड मानेगी तब ना? वो वैसे मानेगी नहीं क्योंकि मुझसे प्यार करती है ना। हाँ जा जा, चल फिर भी तुझसे पूछता हूँ। जा जा। आरती। हाँ बोलो। कोर्ट में ना पप्पू की वाइफ बनने की एक्टिंग करनी है, तो तू करेगी कोर्ट में? हाँ। बड़े 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 बड़े। हाँ मैं रेडी हूँ, कब करना है? हाँ कहाँ है तू? मैं पार्किंग में हूँ, तू कहाँ है? मैं भी आया सर, लड़की आ गई है, मैं लेकर आ रहा हूँ। हाँ, तू यहीं रुक। हाँ। अच्छा हुआ तू आ गया, कोई टेंशन तो नहीं ना? टेंशन किस बात की, मैं संभाल लूंगी। ए, तेरा डिवोर्स होने वाला, चेहरा तो मनहूस बना। हाँ। हम नाटक कर रहे हैं ना? हाँ। तो फिर मैं क्यों चेहरा मनहूस बनाऊं? अरे पर ए, हो गया ना, अब चलें। पप्पू पप्पू। हाँ कौन बुला रहा, ये कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयो। ओ, तो यही वो कार मेघा है। एक्टर बलवान खान का डिवोर्स होने वाला है, मैं उसी का इंटरव्यू लेने आई थी। कार मेघा, तुम्हारी कार कहाँ है? देखो मैं कार नहीं चलाती, मैं तो बस दिमाग चलाती हूँ। मैं क्या हूँ? अरे कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा केस तो खत्म हो गया ना? वो आज जज ने कार मेघा को मिलने के लिए बुलाया। तो अब क्या, तो आपकी जगह हम लोग इसको लेके जा रहे हैं। तुम कोर्ट को चुना लगाओगे, पता चला तो? अरे वोटर आईडी भी किसी का चेहरा कहाँ पहचान में आता है, सारे के सारे कोयले जैसे दिखते हैं। ये लोग उसी का फायदा उठा रहे हैं। है, ऑल द वे। हां जाओ। चलो बाय पप्पू, एक मिनट। वन सेकंड है, ये टेप ऑफिस में किसको बुला लिया, एडिट करना, मैं आती हूँ। ठीक है ओके, चलो मैं भी साथ में आती हूँ। आगो, आओ। ये लो। ए, यहाँ सोना मना है। ए, ये ओरिजिनल पार्टी को कैसे ले आते? आगे गए आया। इनको। हाँ। मैं बस साथ में हूँ, हाजिर तो वही होगी। क्या कोई बोला अभी हम? चलो चलो आ जाओ। 3514 2014 शिव स्वामी पुष्पा। हाँ पुष्पा, अब क्या हो गया? क्या बताओ मैडम, फिर वही कहानी घर घर की, एक साल से एक ही एपिसोड चल रहा है। हे भगवान, एक साल से झेल रही हो, पहले क्यों नहीं आई मेरे पास? सही कहा मैडम, इसे लगता है पेपर वाला, दूध वाला, कोरियर वाला, डिलीवरी वाला, केबल वाला, यहाँ तक कि गैस वाले के साथ भी मेरा चक्कर चलता है। क्यों रे, अपनी बीवी को धर्मशाला समझ के रखा है तूने? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस इसे दुनिया से बचाना चाहता हूँ। अंगूठा छापे की पढ़ा लिखा है? मैंने एमए किया है मैडम। लगता तो नहीं है,
अच्छा सुन बेटा पुष्पा, पहले तो तू टीवी पे हथौड़ा मार, उसके बाद इसका खाना पीना नहाना सब बंद करवा। अरे वाह, पर मैडम अगर इसने मेरा जीना हराम कर दिया तो? हाँ, ये मुंगेरी लाल तुझे कुछ नहीं कर सकता, इसमें दम नहीं है। इतनी प्यारी खूबसूरत बीवी मिली है, तुझे चर्बी चढ़ी है, अगर दिमाग का स्क्रू ढीला है तो पागल खाने जाके लेट जा। अरे इसे वहाँ मत भेजो मैडम, ये रात भर बिकने वाले पोस्टर को अपने साथ रख के सोता है। वो तो सबरीना कैफ पोस्टर से निकलती ही नहीं, नहीं तो ये उसे ही बीवी बना लेता। तो इसकी सारी पोल खुल रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सारी पोल खुल जाती है। 2525 2016 सुंदर सुमन हाजिर हो। क्या है? तुम दोनों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है? जी हाँ हो चुकी है। तो तुमने क्या फैसला किया है सुमन? दोनों राजी हैं, सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। तेरे से पूछा? बेटा सुमन तुम बोलो। हम सहमति से तलाक चाहते हैं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ बोल दो। जी हाँ मैडम। अच्छा ठीक है, तलाक। हाँ चल 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 चल। काउंसलिंग नहीं होगी? दोनों पार्टी राजी हो तो डिवोर्स मिल जाता है, डायरेक्ट मिल जाता है। चलता है, फाइनल हियरिंग है। लगता है आज काम बन जाएगा। तो तुम्हारी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है? कितनी बार समझाया है, वो समझना ही नहीं चाहता। तुम मैं जाओ 6 महीने साथ में रहो। अगर वो बार बार धमकी देगा तो कोई सुनेगा क्या? इतने सारे लोगों को डिवोर्स की लाइन में देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। डिवोर्स ही लेना है तो शादी क्यों करते हैं? सब लोग ऐसा ही सोचेंगे तो हम लोग का धंधा कैसे चलेगा? तैयार रहना, इसके बाद तुम्हारी बारी है। हाँ पप्पू, याद है ना जो मैंने कहा है? ए रेडी रहना। लड़की रेडी है ना? आरती किधर गई? अरे अभी यही तो थी, बाजू में खड़ी थी। कहाँ चली गई वो? अभी देखता हूँ। अरे ढूंढो उसे। आरती तुमने ध्यान नहीं रखा, मेरा ये बैग पकड़ेंगी। मैं भी नहीं मिली तो अच्छा नहीं होगा। क्या सर आप भी? अब चली गई तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? 1325 2016 आर के नारायणन गंगा अम्मा। मैडम तलाक दिलवा दो वरना साल भर में ही मर जाऊंगा। अरे झोलू, इस उम्र में तलाक लेके कहाँ जाएगा तू? कहीं भी जाऊंगा मगर इस कलमुई के साथ नहीं रहूंगा। वॉशरूम में देखता हूँ। हाँ। क्या हुआ? आई क्या? मैंने उधर जाते देखा था, वो चिल्लाएगी, वो डायन आज मुझे कच्चा चला जाएगी। मेरे दिल में अभी से दर्द हो रहा है। चलो भाग चलते हैं। अकेला जा रहा है? अरे बिना लड़की के कैसे जाएंगे? आरती अंदर हो क्या? कितना टाइम लगा रही, थोड़ा जल्दी करो ना यार। अरे अभी आई हूँ। ये क्या कर रहे सर? अगर आज नहीं गए तो नोटिस चला जाएगा, वो भी इसके घर पे। नोटिस? कैसा नोटिस? डिवोर्स का नोटिस। तुम्हारे घर का एड्रेस दिया है ना, नोटिस के साथ साथ 20-25 पुलिस वाले भी जाएंगे। बातें अच्छी करती हो लेकिन काम बिल्कुल नहीं करती हो। आप कुछ देर चुप नहीं रह सकते सर? मैडम सॉरी, लेकिन इसमें आपका ही फायदा है। जज के सामने आप जाइए ना। मैं क्यों जाऊंगी? मैं नहीं जाने वाली। क्या हो गया? नहीं चलेगा। ओह, तू भी इसकी बात समझने लगी? अरे तुक्का फेंका था। मैडम इससे पहले कि नोटिस घर पहुंचे, हम जाके पोस्ट ऑफिस से उठा लेंगे। रजिस्टर पोस्ट है ना, अभी जब तक इसकी अम्मा का साइन नहीं होगा ना, वो किसी को नहीं मिलेगा। अम्मा को देगा? हाँ। केस नंबर 2829 2016 पप्पू कार्बे का हाजिर हो। जाओ ना, तुम लोग को ही बुला रहे। जाओ, अरे जाओ वरना वो सच में सर को मार देगी। नमस्ते मैडम। लेट आने की बीमारी लग गई है तुझे। दोनों को समझा रहे थे ना इसलिए। पप्पू ये है ना मैं। कारवाली मेघा कौन है? ये लड़की। क्या हुआ, क्यों जिंदगी की बैंड बजाना चाहते हो? बोलोगी? तुम बोलो, कुछ भी बोल दो, बोल दो। हम दोनों मिलजुल के डिवोर्स लेना चाहते हैं। हाँ वो सब ठीक है, पर डिवोर्स क्यों लेना है? डिवोर्स लेने का कुछ तो कारण होगा ना। कोई भी परेशानी बता दो ना।
क्योंकि ये बोल नहीं सकता इसलिए। हटा ढोले, मेंशन तो नहीं किया इसमें। नहीं लिखा है क्या? लिखा नहीं था। तुम्हें शादी के टाइम पता था? हाँ पता था। हाँ तो अब क्या प्रॉब्लम है? उसी की वजह से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग? जी हाँ। क्यों, ये गालियाँ नहीं दे सकता इसलिए? लव मैरिज है? नहीं मैम। लगता है यही वजह है दोनों के कंफ्यूजन की। काउंसलिंग करा लो। मैडम मैडम, दोनों राजी है मैडम, इसीलिए डिवोर्स ले रहे हैं। काउंसलिंग पर जाओ। मैडम नहीं मैडम, कहानी उल्टी हो जाएगी। चल निकल, टाइम खोटी मत कर, यहाँ लंबी लाइन लगी है डिवोर्स की, देख नहीं रहा है। निकलो यहाँ से। ए पप्पू बुला। ओए 1914 2016 अल्फिन सेल्वा, हाजिर हो। क्या हुआ, तुम लोग बाहर क्यों? जस्ट क्या कह रही थी, नंबर नहीं आया क्या? छोड़ो, काउंसलिंग के लिए जाना होगा। काउंसलिंग के लिए? हाँ, वो दो झक्की टाइप के लोग वहाँ बैठे होंगे, शादी के फायदे गिनाएंगे कि तुम दोनों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, उनके उपदेश चलते ही रहेंगे। क्या कह रहा है ये? क्या आप भी साथ में चलेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं 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 नहीं। 3000 दे दो। अंदर देना है ना, समथिंग समथिंग। 500 देना। उन्हें जाकर कहना कि मैंने दिया है, समझा देना उन्हें, आधा रख लेना। दे दो। हम दोनों काउंसलिंग के लिए चलें क्या? चुप करना। अरे तू जानता नहीं, ये ऐसी है, ये ऐन मौके पे हमेशा गायब हो जाती है, हमेशा रायता फैलाती है और पापड़ मुझे मिलने पड़ते हैं। कितनी बार बोला है, पूछ की तो जाती कम से कम। सॉरी, इट्स ओके। अरे जल्दी भेजो। ओके सर, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। ये तो रोज की बात। हाँ, भेज दो। हाँ, दे दिया, चलें। इन दोनों को एक बार तो मिलना ही पड़ेगा सर। हाँ, वो नहीं आएंगे, जाकर तुम बात करो ना। हाँ? सीनियर लॉयर कैसे बनोगी तुम? हाँ? जाओ बात करो, जाओ जाओ। नहीं नहीं, तुम दोनों को आना ही पड़ेगा, बस 2 मिनट का काम है, वो जो पूछेंगे जवाब देना और फिर चले आएंगे, ठीक है? सर बोलो ना। चलो खत्म करते हैं, जा जल्दी चलो, मेरे पास टाइम नहीं है, आओ जल्दी। हेलो सर, ये दोनों ही है, मिल लिया ना? हो गया, चलो चले। अरे भाई थोड़ी देर बैठो, जरा दो चार बातें करो, आओ बैठो। हाँ बैठ जाओ ना, 2 मिनट की बात है। अरे बैठो, बैठ जाओ ना, 2 सवाल पूछेंगे। तुम बाहर वेट करो। हाँ पप्पू कार मेघा कुडली, दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा नाम है, लव मैरिज है ना? पहले किसने प्रपोज किया था? अच्छा तुमने किया। मेड फॉर ईच अदर लगते हो, आखिर क्यों डिवोर्स लेना चाहते हो? हम यहाँ गप्पे लड़ाने नहीं आए हैं। इसके कहने का मतलब है कि शादी तो 7 जन्मों का पवित्र बंधन है, तुम पहले में ही पक गए। हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ये तय है। ये आजकल के नौजवान शादी से पहले एक दूसरे के पीछे भागते हैं और शादी के बाद एक दूसरे से दूर भागते हैं। हाँ सही कहा। तुमने ही प्रपोज किया, अब तुम्हें डिवोर्स मांग रही हो, सामने वाले पर क्या बीत रही है जरा पूछो तो सही। आप इसे ही पूछे ना, ये बताएगा आपको। अच्छा अच्छा, ओह अच्छा, ओह क्या बोल रहा है ये? इसे भी डिवोर्स लेना है। जरा खुलकर पूछिए, दोनों को इस तरह नहीं समझ में आएगा। आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं? आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है? इस बंदे में बिल्कुल दम नहीं है। अब क्या बोला ये? ये गुस्से में वही कह रहा है जो अभी अभी मैंने कहा। मैं भी वही सोचूं। वैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? अरे, अरे नहीं, नहीं भाई नहीं, नहीं। ये तो मेरी पड़ोसन है, मैं तो अभी बैचलर हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे डिवोर्स पर तुम्हारी फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्या?
बस बहुत हुआ अब, क्यों पका रहे हैं आप दोनों? मैं इस गुंगी के साथ रहते रहते खुद गुंगी बन जाऊंगी। आप कन्विंस हो गए हैं कि मैं और बोलूं? याद आ गया, मीडिया में रहकर कोई ऐसी बात करता है क्या? तुम चमेली टीवी में न्यूज रिपोर्टर हो ना? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, रिपोर्टर होकर कैसी कैसी बातें कर रही है ये। अपने गुंगे पति का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा है क्या? बेचारा बोल नहीं पाता तो उसकी हेल्प करनी चाहिए या इस तरह डिवोर्स लेना चाहिए। ए, हो गया? क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ बोले तो, ए, तो करो। ए, हेलो। आगे, हाँ क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स भी नहीं देने चाहिए थे। देख रहे हो ना मेरे लिए कितनी मुश्किल बढ़ गई है। आज के बाद मुझे दोबारा कांटेक्ट भी मत करना प्लीज। वकील साहब, मेरे नाम के प्रूफ हटा दीजिए। ए, भाभी जा रही? अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चुपचाप चले जाओ वरना बुरा होगा। मेघा सुनो तो। वो सब नाटक था, मैं बोल सकता हूँ। तो फिर तुमने दो मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारे दिल में जो भी आए वो कह लेना, मैं सुन लूंगा। अब मैं गांव से हूँ, गरीब परिवार से, सोचा कि विदेश जाकर पैसे कमाऊंगा तो घर की आर्थिक तंगी दूर कर दूंगा। दीदी के जेवर तक बेच दिए और पासपोर्ट के लिए शहर आ गया। फिर पासपोर्ट में बिना सोचे समझे मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया। नेसा ने जब तुमसे मिलवाया तो उसने कह दिया कि मैं गूंगा हूं, इसलिए मुझे गूंगा बनकर रहना पड़ा। तुम्हें अंधेरे में रखने का मेरा कोई इरादा नहीं था। एक अनजान शख्स पर रहम खाकर तुमने मेरी बहुत मदद की। मुझ पर यकीन करके जज के सामने गवाही दी, ऐसा कोई नहीं करता। तुम बहुत अच्छी हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। माफ करना। तुझे कहा था, पर तू मेरी बात सुनता कहाँ है? ए, हाँ। अगर मेरा तलाक हो भी जाता ना तो भी मैं उसे सच बता के रहता। अपनों का भरोसा तोड़ा, अब किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। कल अगर और किसी ने उससे मदद मांगी तो क्या वो उसकी मदद करेगी? मैंने तुझे पहले ही बताया था कि मास्टर को सब सच बता देंगे। क्या बोल रहे हैं? अब भंवर में फंसे हैं तो बच के निकलना ही पड़ेगा ना। अच्छा सर, क्या हम जज को सच्चाई बताकर केस वापस ले सकते हैं? केस वापस नहीं ले सकते, लड़की को पेश होना पड़ेगा। सर, सच्चाई के चक्कर में जज हमें भी खरी खोटी सुनाएगा। कीड़े पड़े जज के मुंह में। वकील साहब, इससे बचने का कोई तो पतला गली होगा ना? ए मुंगेरी लाल के हसीन सपने, शांत। अच्छा, ये वोटर आईडी तुम्हें बाहर पड़ा मिला और तुम इसे लौटाने आए हो, है ना? ठीक है, मैं आ जाऊं। अम्मा, अभी अभी पप्पू आया था। पप्पू आया था? कब? अभी। हेलो, कौन है? हेलो, मैं पांडे बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहे? अरे मैं पांडे बात कर रहा हूँ, तेरा दोस्त पांडे। हे पांडे, कैसा है तू? अरे कहाँ है, ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ।
लेकिन मैं अरे आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं? अरे भाई मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, चल हेलो। आईटी भोपालन कोई उसका मकान खरीदना भी नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? नेसा, पांडी का फोन आया था। पांडी का? कैसा है वो, क्या बोला? वो मुसीबत में है, लगता है कोई प्रॉब्लम आ गई है। कौन पांडी? जिसके सर पर चिड़िया का घोंसला था, जो लंदन चला गया वही ना? हाँ हाँ। पप्पू सर, आ रहा हूँ सर। सर पांडी का फोन था, कह रहा था कि परेशान है, बार बार कह रहा था कि मुझे बचा लो बचा लो, कुछ कीजिए ना। नंबर देखा, ये इसी नंबर से फोन किया था। 94 से शुरू है, श्रीलंका का कोड है। क्या ब्रो, उसने कब फोन किया तुझे? एक घंटा पहले। वो सीआईडी में बोलते हैं ना, अगर 20 मिनट में फोन करो तो कॉलर की पोजीशन का पता चल जाता है, लेकिन विदेश में सीआईडी फैसिलिटी है या नहीं ये मैं नहीं जानता। ए भाई, मदद करना है कर, नहीं तो चुप रहे। तो क्या करना चाहिए? यहाँ से उड़कर सीधे लंदन चले जाएं क्या? अरे कल में तो है नहीं कि शेयर ऑटो से पहुंच जाए। फोन देना जरा, मैं अभी के अभी सर्च करता हूं। आराम से, थोड़ी देर बाद देखना, उसका मुझे बचा लो मुझे बचा लो का मैसेज तुम्हारे फोन पर आएगा। ए गंजे, अपनी गंदी जबान बंद करना। ब्रो तुम टेंशन में हो इसलिए मुझ पर नाराज हो रहे हो, असल में तुम बहुत अच्छे आदमी हो, आई नो। नेसा तुम चेक करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। मेरे इलाके में मैं उसे 2 मिनट में खोज लेता, पर वो विदेश में है, क्या करूं? कोई तो रास्ता होगा। विदेश में भी वो क्या सबका सिर खा रहा होगा? वहां की पुलिस बहुत खतरनाक है, समझे ना? इस नंबर से कॉल आया मतलब वो कोलंबो में। अरे हमने तो उसे लंदन भेजा था, फिर वो कोलंबो कैसे चला गया? यहाँ कुमार कौन है? कुमार सर अभी भी नीचे गए। जाओ तुम नीचे देखो, तुम उस तरफ देखो। सर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ लोचा है जो पोछा मारने आए? तू कौन है? पुलिस। पुलिस का नाम नहीं होता। एमपी मुर्गन स्वामी। क्यों पसंद नहीं आया? आप बोलो तो बदल देता हूँ। सर नाम बताने की जगह पासपोर्ट चेक कर रहे हैं, कुछ लोचा है क्या? कौन सा पुलिस स्टेशन? आखिरी बार विलवक्कम में था सर। आखिरी मतलब? उसके बाद वीआरएस ले लिया, 4 साल हो गए, और अब मैं ईमानदारी के साथ पब्लिक सर्विस में लगा हूँ सर। क्या काम करता है? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। मतलब दल्ला ना? ऐसा नहीं है सर, कानूनी तौर पर पूरी ईमानदारी से मैं कम कमीशन पर समाज सेवा करता हूँ। मैं कई मकान मालिकों को जानता हूँ, आप इधर उधर कुछ खोज रहे हैं, क्या बात है सर? ए मैं बात कर रहा हूँ और तुम अपनी बनकी कर रहे हो। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे को मार रहे? अरे माई रे। एजाज ले जाओ उसे। अटेंशन, सारे पेपर ठीक से चेक करना। यहाँ पप्पू कौन है? मैं हूँ सर। कहाँ से हो? मदुराई सर। मदुराई में कौन सी जगह? रामपुर से सर, बगल में ही। ये कौन है? मेरा दोस्त है सर, ये गूंगा है सर, बोल नहीं सकता। नमस्ते सर। अब बैठ बैठ। चेन्नई किस काम से आए थे? अब दरअसल मुझे लंदन जाना था, वीजा की जरूरत थी। टूरिस्ट वीजा? अफजल फैक्स मैसेज आया है। ये पेपर लो और जल्दी से स्कैन कर दो। सर ए इधर आ। इसको जानता है? सर फ्रेंड है। सर फ्रेंड है, नाम क्या है इसका? पांडी, मुत्तु पांडियन सेल्वम। अभी कहाँ है वो? लंदन गया है सर।
फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए टूरिस्ट वीजा लेकर। तुझे नहीं मिला वीजा? नहीं सर। सर इससे क्या हुआ है सर, प्लीज बताइए ना। कहाँ का रहने वाला वो? मेरे गांव से सर, वो मेरे गांव में ही रहता है। उसका आईडी प्रूफ है? हाँ है सर, वोटर आईडी। वोटर आईडी ओरिजिनल है? बिल्कुल सर, डुप्लीकेट क्यों रखेंगे। कहाँ? रूम पर है सर, आप कहें तो मैं लेकर आता हूँ। चलो हम चलते हैं वहीं। आइए सर। ये सब लोग कौन है? ये मेरे घर वाले। घर वाले? हाँ। इतने सारे? ये तो पूरा जिला लग रहा है। आइए सर। एक दो चार पाँच, खत्म ही नहीं हो रहा। आइए सर, तशरीफ रखिए सर, बैठिए। सर पांडे का वोटर आईडी। तुम लोगों के लिए वीजा कौन बनवाता है? कुमार। उसका कोई दूसरा कांटेक्ट नंबर है? नहीं सर, बस एक ही। वो रहता कहाँ है? नहीं जानता सर, मैं तो उसके ऑफिस में मिलता था। पिछले 8 सालों से गायब है। फोटो सेल्फी कुछ तो होगा ना? नहीं सर। उसके साथ एक श्रीलंकन भी तो रहता था, उसे जानते हो? नहीं सर। बैचलर बताया था तुमने? डिवोर्सी हो? सर पांडे ठीक तो है ना सर? सर यहां से राइट मत लेना, सीधा ही ले ले। तुझसे किसने कहा कि टूरिस्ट वीजा लेने के लिए बीवी का नाम भरना पड़ता है? कुमार ने। कुमार ने? हाँ सर। वो फ्रॉड तो सिर्फ डुप्लीकेट चीजें बनाता है, उसने तुझे ओरिजिनल पासपोर्ट क्यों दिलवाया? नहीं जानता सर। कार मेगा का नाम फॉर्म में लिखवाने का ख्याल किसको आया? सर मैं बता चुका हूँ सर, मैंने बस ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन मेरे और उसके बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है सर। सर प्लीज उसके घर मत जाइए प्लीज। गाड़ी तेज चला। ठीक है सर। कौन सा घर है? सर मेरी इल्तिजा है सर, उसे बीच में मत घसीटिए, वो बस मेरी मदद कर रही थी। बहुत सीधी सादी लड़की है सर, जाने दीजिए प्लीज। चल देखते हैं। सर एक मिनट सर, प्लीज सर, उसकी माँ मुझे बहुत अच्छा समझती, मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई तकलीफ हो सर। सर वो अच्छे लोग हैं सर, अच्छी फैमिली से। रास्ते से हट, हट रास्ते से। अच्छी फैमिली तो मिलने से क्या प्रॉब्लम है? आइए सर। अरे तू शर्मा क्यों रहा है? जो पूछना है पूछ। अगर ये साड़ी पहनती तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती। तुम भी तो धोती पहन सकते थे। क्यों? हाँ वो धोती तो पहनता ही है, धोती में मेरा बेटा चिरकुट से स्मार्ट बन जाता है। कार्मेगा का घर यही है? अरे पप्पू अंदर आना, मेघा को लड़के वाले देखने आए हैं। रुको मैं बाहर आती हूँ, दूल्हे से तो मिल ले। क्या बात है? बुरा मत मानिए, सिर्फ 5 मिनट, न्यूज से संबंधित बात करनी। अब आइए। ये कौन है, क्या आप इन्हें जानती हैं? ये बेचारा श्रीलंका से आया है, बचपन से गूंगा है, इसने मेघा की बहुत मदद की है। अच्छा। यहाँ अपने परिवार को ढूंढ रहा है, पता नहीं वो लोग कैसे और किस हाल में होंगे। इसकी मदद करने के लिए आपने ये सब किया? जी हाँ। इसका एक दोस्त है पांडी, उसे जानती हैं आप? नहीं जानती। कुमार को? सर कुमार को सिर्फ। नहीं। एक श्रीलंकन भी है, उसे जानती हैं आप? नहीं जानती।
कानूनन ये तुम्हारी बीवी है लेकिन तुम्हारे दोस्तों के बारे में कुछ नहीं जानती, क्या है पप्पू? ओके, आप जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिज। वैसे कार्मेघा की सैलरी कितनी होगी? 33,083 रुपीज मिलते हैं। किसी को और कुछ पूछना है? सर अब तो बता दीजिए ना पांडी के साथ क्या हुआ है। लंदन एयरपोर्ट में बिना पासपोर्ट के घूम रहा था। इमिग्रेशन वालों को बताया कि वो श्रीलंका से, तो उन्होंने उसे श्रीलंका डिपोर्ट कर दिया। श्रीलंका में बताता है कि वो इंडिया से। हमें ये जानना है कि वो इंडिया से है या श्रीलंका से। पांडी मेरे गांव से, वोटर आईडी आपने देखा ना सर। चल चलते। कहां सर? तेरे गांव और कहां? सर मैं अपने गांव नहीं जा सकता सर, सर फंस जाऊंगा सर, बहुत कर्जा लिया है सर। ये तेरी प्रॉब्लम है, चल बैठ गाड़ी में। सर प्लीज सर समझने की कोशिश कीजिए, मैं सच कह रहा। भाई एक मिनट सर, मैं वही श्रीलंकन हूँ जिसको आप लोग ढूंढ रहे हैं। एजेंट कुमार का एड्रेस मैं आप लोगों को बताएगा। ये बेगुना, इसने कुछ नहीं किया सर। ये तो गूंगा था, अब तोते की तरह बोलने लगा। सर मैं बोल सकता हूँ ये बात, ये भी नहीं जानता था। यही एक तरीका था जिससे मैं अपने आप को बचा पाता। अबे अगर पहले ही बता देता तो इतनी कसरत नहीं करनी पड़ती। हम तेरी ही तलाश कर रहे थे। एजाज सर इसे गाड़ी में ठोस। Hey. और तू मेरे साथ चलो। पप्पू सर एक मिनट। हाँ जल्दी। अगर तुमको मेरा बीवी और बच्चा कभी मिलेगा ना उनको बताना कि मैं उनको ढूंढ रहा था। तुम्हारा बहुत याद है। अरे नहीं नहीं मुझे मेल कर और फौरन मुझे इत्तला कर। ओके जल्दी कर, बाय। सर वो पांडी। ओह एजाज सर उस लड़के को लेकर आओ। यस सर। कैसा है रे तू? तू कैसा है? अगले महीने इसके केस की सुनवाई होगी। फाइन भर देना और एक अच्छा सा वकील भी रख लेना। ले जाओ इसे। चल। थैंक यू सर। अच्छा हुआ तूने उसको सब सच बता दिया। पांडी और चावल चाहिए क्या? नहीं नहीं। पांडी मुझे तेरा गांव जाना पसंद नहीं आ रहा है, एक दो रोज और रुक जाना। नहीं मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था।
और एक रूम के अंदर बंद कर दिया। फिर एक आदमी आया, उसने पता नहीं क्या कहा, फिर सब लोग मुझे मारने लगे। जानता है, उन्होंने इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। किसने? मुझे नहीं पता, वो लोग बहुत खूंखार थे, लगा था कि मैं मर जाऊंगा। फिर चमत्कार हो गया, मैंने गणपति बप्पा का नाम लिया और मैं बच गया। पांडे केला खाएगा? नहीं नहीं, छोड़ के आता हूं। अंधे को दिखाई नहीं देता और बस चला रहा है। क्या हुआ भाई, हमें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा ना? हे हे हे, कहाँ जा रहे हैं? गांव की बस में चढ़ाना था ना, तो शहर की बस में कहीं को चढ़ा दिया। अरे पर जा कहाँ रहे है? भाई इसका स्क्रू थोड़ा ढीला लगता है ना। ए, बिठाने के पहले देख सकता था ना, ऊपर वाले ने आंख दिया है ना, तो इस्तेमाल करना। वो दोनों बसें एक जैसी दिख रही थी तो। ये फेंक दो। फेंकूंगा नहीं, बंगार वाले को दूंगा, पैसा आएगा। इसे भी उठा के फेंको। हाँ ठीक है। वो लोग घर में दिखने नहीं चाहिए। हाँ नहीं दिखेंगे। ये सब क्या है, मेरा सामान क्यों बाहर फेंका है? तुझे घर से भगाना है ना, इसलिए पुलिस को घर वाला बता रहा था। भोले चेहरे के पीछे फ्रॉड। फ्रॉड? हाँ। कौन फ्रॉड बे? तू और कौन? उल्लू, पिछले किराएदार ने खुदकुशी कर ली, तूने मुझे बताया था क्या? अरे सबसे बड़ा फ्रॉडी तो तू है झिंगूर। ये आपका मुंह पे कचरा करते जा रहा है और आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। एक झापड़ मारो, इसके दांत बाहर निकालो। झोपड़ पट्टी के शौचालय की तरह तो तेरा कमरा है, और महारानी ऐसे बोल रही है जैसे महल किराए पर दिया है। ए बोमिल, बर्तन धोता है, कपड़े धोता है, यहाँ तक कि पोछा लगाता है। इंग्लैंड से आऊंगा ना तो तेरे को चपरासी की नौकरी दूंगा। दूसरी लाए गए 6 एकड़। 1 एकड़ में कितना कट्टा? नहीं पता। 1 एकड़ में 100 कट्टा, 6 एकड़ में 600 कट्टा, मेरे टीचर ने बताया था। तू जानता नहीं, तेरे को खड़े खड़े गायब कर सकता हूँ। तो बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है, करके दिखा ना। बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के यहाँ खाते। जब डायलॉग नहीं आता तो क्यों बोलते हो? ऑडियंस को बेवकूफ समझ रखा है क्या? और चूजे तू शर्म को बेच खाया है क्या? फांसी लगाते वक्त रोका क्यों नहीं? रस्सी उसकी थी, फांसी पर वो लटका, उसमें मैं क्या करूं? अबे चमन चिंदी, उसे नीचे उतारता, पंखे से हवा देता, अपने हाथ से मुंह पे पानी छिड़कता, अपनी चोंच उसके मुंह में घुसेड़ के हौले हौले से सांस देता। वो खुद नहीं मरा, उसे तूने मारा है करम जले। ये खड़े खड़े हमारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यहाँ मिला, पर अगर गलती से भी ऊपर मिल गया ना तो फांसी वाली रस्सी तो वही रहेगी, पर गर्दन तेरी। जोरू का गुलाम, थू डूब मर। अरे देख क्या रहा है छू? ए, ए, इसके सामने इज्जत उतार रहा है, माफी तो मांग, उसके बाद जाना। ए, गोल। हाँ बोल। वाट लग गई यार, मकान मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या बात कर रहा है तू, अभी कहाँ है? मास्टर जी आ गए क्या? मास्टर? वो तो हमेशा दोपहर को आते हैं। क्यों, क्या हुआ? देख मैंने उनसे बहुत झूठ बोला है, अब सच बता दूंगा। हे भाई इतनी जल्दी मत मचा यार, थोड़ा सबर करना, एक बार अपनी पगार मिल जाने दे, उसके बाद तू इधर आ जा, हम दोनों बैठ कर बात करते हैं ना। अब, मास्टर जी को बता देना मैं थोड़ा लेट आऊंगा। क्यों, कहाँ जा रहा है तू? पासपोर्ट ऑफिस। उसको मिलने के बाद इधर ही जाने का क्या? यही अपना अड्डा है, सब इधर, आप उनको पंचर पासपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, चल वंटास। पासपोर्ट बनवाने का क्या? नहीं, पासपोर्ट से बीवी का नाम हटाना है। सिंपल है। काय का सिंपल, शादी नहीं हुई तो? तो ये लो जाए। तू घबरा मत रे, तू एक काम कर, पहले शादी कर फिर डिवोर्स दे दे, फिर मेरा लॉयर फ्रेंड सब सेट कर देगा रे, तू उससे जाके मिल। अपनी शादी करके डिवोर्स ले लेना, थैंक्स। अरे छिटक काय को रहा है रे,
एक ताले की 25 चाबी अपने पास। एक बार तू खुद से अंदर गया ना तो दिवाली की चक्री की तरह तेरे को चारों तरफ नचाएंगे। बाद में तू फुसकी बम हो जाएगा। हाँ कर ले। हेलो हेलो, कहाँ पर हो तुम? मैं यही पासपोर्ट ऑफिस आया हूँ। तुम वहीं पर रुको, मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। क्या? फोन रखो, मैं वहीं आ रही हूँ। हो गया जुगा। तू एक काम कर, पास के थाने में जाके बोल कि तेरी बीवी ना गुम के लिए। काम हो जाएगा? 100% होगा बच्ची। अपनी दोस्ती का ब्रांच का एक दोस्त ना मुर्दा घर में काम करता है। अपन उसको बोलेंगे कि किसी 25 साल के आसपास की लड़की का बॉडी का जुगाड़ कर, फिर उस टपकेली का तेरी वाइफ के नाम पे आईडी कार्ड बनाएंगे, फिर उसको उसके पॉकेट में डाल के किसी नाली में फेंक देंगे। खुल गया ताला। क्या? फिर उसके अगले दिन पुलिस वाले तेरे को फोन करेंगे। उसके बाद क्या होएगा? वो लोग तेरे को शिनाख्त के लिए बुलाएंगे और फिर पासपोर्ट से तेरी बीवी का नाम मंटास। तेरे को थोड़ा सा रोना पीटना पड़ेगा पर तू कर लेगा। एक बार तेरे को डेथ सर्टिफिकेट मिल गया ना, तेरा सारा प्रॉब्लम मक्खन की तरह सॉल्व रे। इसके लिए तुम कितना लूटोगे? लूटने का ऐसा है कि हम लोग ना मिलके काम करते हैं, क्या है टीम वर्क है। तो सबसे पूछ के तेरे को रेट बताता हूँ। तू इधर ही रहना, जाना नहीं, मैं अभी आता हूँ। हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इधर बहुत सारे चूहे तेरी जेब कतरने के लिए रेडी रहेंगे, तो उनको बोलना तेरा डील डन हो गया, समझा? क्या? मैं आता। चलो मेरे घर चलते हैं। क्या हो गया? अम्मा को सब पता चल गया है। तो इसमें मैं क्या करूं? उन्हें लग रहा है कि हम दोनों ने सच में शादी कर ली है और अब मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूं। वो चाहती है कि हम दोनों साथ में रहें। अब तुम चलो मेरे साथ और मेरी माँ को समझाओ। पर तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना? वो वेस्ट था, रिजेक्ट कर दिया मैंने। अब बेहतर यही होगा कि तुम मेरी माँ से बात करो। पांच मिनट में आए। ओए, पक्का आओगे या भाग जाओगे? मैं धोखेबाज नहीं हूं। सर मैं आ सकता हूँ? यस। नमस्ते सर, मैं पप्पू हूँ। सर मेरे पासपोर्ट में एक गलती हुई है, उसे करेक्ट करना है। आप 4 नंबर काउंटर पर जाइए। नहीं सर, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलिए। सर टूरिस्ट वीजा पर मैं लंदन में जॉब पे जाना चाहता था, तभी एक ब्रोकर ने कहा कि शादीशुदा लोगों को वीजा जल्दी मिलता है। उसके झांसे में आके मैंने बीवी का ऐसे ही नाम डाल दिया। वीजा तो मिला नहीं, उल्टा मैं मुसीबत में फंस गया। तो मुझसे क्या चाहते हो? दूसरों की बातों में आकर मैंने कोर्ट में डिवोर्स का केस किया पर बात नहीं बनी, पैसे बर्बाद हो गए। हाँ मैं समझ गया, तुम उस लड़की का नाम निकालना चाहते हो, यही ना? हाँ बिल्कुल। इस देश में ना हर कोई चाहता है कि शॉर्टकट में काम निकाल ले। कितना पैसा खर्च हुआ? जितना कमाया था सब लुटा दिया। ब्रोकर से बचो, ब्रोकर से बचो, इसके लिए हमने हर जगह बोर्ड लगा रखा है। तुम पढ़े लिखे हो ना, यहाँ आके डायरेक्ट फॉर्म भर के अपना काम क्यों नहीं करवाते हो? जब काम बिगड़ जाता है तब यहाँ पर आते हो, पहले क्यों नहीं आए? सॉरी सर। पासपोर्ट कहाँ है? सच में तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? नहीं नहीं हुई सर। इसे काउंटर नंबर 6 पर दे दो, वो तुम्हें एक फॉर्म देगा। फॉर्म फिलअप करके तुम फाइन भर देना, 15 दिनों के अंदर ही करेक्शन करके तुम्हारा पासपोर्ट आ जाएगा। ठीक है सर। सर नुकसान कितना होगा? लगभग 1300 के आसपास। बस इतना ही? तो तुम ज्यादा देना चाहते हो क्या? चलो जाओ। ठीक है सर। अयो ये तो सिर्फ फाइन है जी, एक काम करो थर्ड काउंटर पर दे दो। डायनासोर ने साइन कर दिया? लगता तुम डायरेक्ट मिले।
कुछ कहा क्या? चलो अच्छा हुआ पैसा बच गया, ब्रोकर के चक्कर में तुम लुट जाता। इधर एक से बढ़कर एक बड़ा बड़ा मगरमच्छ बाहर घूमता। हम तुमको पहले ही बताया था पर तुम समझा नहीं। डायनासोर ने तुम्हारा काम बड़ा आसानी से कर दिया, हमको तो ताज्जुब होता। लो ये फॉर्म भर के साइन करके दे दो। सर एक मिनट, मेरा पासपोर्ट वापस कीजिए। इसलिए? मैं 5 मिनट में आ रहा हूं सर। थैंक्स। तो चलते हैं? हाँ? चलो बैठो। जाने से पहले एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। शादी करोगी मुझसे? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। पासपोर्ट से मेरा नाम निकालना बहुत मुश्किल है क्या? नहीं, पासपोर्ट ऑफिसर ने यह लिख कर दिया है कि नाम निकल सकता है। ओह, एक लेटर से काम बन गया, तो नाम निकाल दो ना। नई कहानी मत सुना, इस बात की क्या गारंटी कि तुम सच बोल रहे हो? मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे कई बार झूठ बोला है, लेकिन अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा यकीन करो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, अगर तुम कहो तो तुम्हारी माँ से मैं तुम्हारा हाथ मांग सकता हूँ। शादी करोगी मुझसे? चलो घर चले। स्टार्ट करूं? चलो ना, मन में लड्डू फूट रहे हैं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं चलाऊं? देखो मैंने हेलमेट नहीं पहना है, कभी भी चालान कर सकता। साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मेड फॉर ईच अदर। हंसते रहो, बहुत अच्छी लगती है। पप्पू कार्वे का हाजिर हो। नमस्ते मैडम। क्या बात है, आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, टाइम पर आ गया तू। बोलो। दरअसल हम दोनों ने तय किया है कि हम दोनों साथ रहेंगे। हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन तुम दोनों उस दिन काउंसलिंग से भाग क्यों गए थे? उन बुड्ढों के सवालों से परेशान हो गई थी इसलिए चली गई। कुछ दिन पहले तो तुझे इस फटे डोल से एलर्जी हो रही थी, अब नहीं हो रही है? नहीं, वो मेरी समझ में आ गया कि इसकी बोलती बंद है तो घर में सिर्फ मेरी चलती है। आई लव हिम। चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया तो डिवोर्स दे दूंगी। ना ना मैडम, मैं खुद इन दोनों के कान पकड़ कर सिखाऊंगा कि कैसे साथ रहना है। ठीक है, खुश रहो। चलो आवाज निकल लो। अगला कौन है? 3514-2014। क्यों हंस रहे? वही के इतना महाभारत होने के बाद आज हम दोनों जो साथ मिले हैं उसकी अगर कोई वजह है तो यही टंजा है। हाँ, मैंने मेघा ही कहा था, इसने उसमें कार जोड़ दिया। थैंक यू। मैडम ये वही पार्टी है। ओ, रेंट के बारे में बता दिया ना? हाँ बता दिया, 9500। ठीक है, हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ सिर्फ एक ही गाड़ी का पार्किंग है। पड़ोसी की यहाँ पार्क कर लेंगे? ये अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करेगा, वो अपनी गाड़ी बाहर पार्क करेगी। ये तुम्हारा बेबी है? सॉरी सर, हम फैमिलीज को घर नहीं देता, सिर्फ बैचलर्स को देता है। क्या है? धन्यवाद। चलते हैं। बुढ़िया को चाहिए शादीशुदा लोग और मिडिल एज को चाहिए बैचलर। आप कहाँ जाएं? उस झंडू के पास चलते हैं। चलो। क्या हुआ? अरे वहाँ एक चमन चिंदी रहता है, उसका घर देखते हैं। चलो। ए, जाने से पहले कुछ कहोगे नहीं क्या? सुनना चाहती हूँ। लगता है खूबसूरत तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ी हो, जैसे कोई सुबह किसी हसीन शाम के साथ। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? बेहतर होगा कि तुम चुप ही रहो। मैं तुम्हारे घुंघराले बालों को बहुत मिस करूंगा।
उसे इतना मिस करोगे तो फ्लाइट भी मिस हो जाएगी। जाओ। मास्टर जी। क्यों बेटा, अपने हस्बैंड को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। अच्छा लड़का है, इसे दामाद बनाना चाहता था, पर तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। पहले बताया होता तो इसका वीजा भी मंगवा लेता। अगर आपको बताया होता तो आज ही नहीं जा रहा होता। सही कहा, अगर पता चलता तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता। दोबारा झूठ मत बोलना मुझसे। मास्टर जी, फ्लाइट का वक्त हो गया है, चलना चाहिए। मैं तो भूल ही गया। Hey guys, चलो फ्लाइट का वक्त हो गया। Hey, love you. अभी तक बचपना नहीं गया। Mm-hmm.